हेलो। वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं यह इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही है क्या? ठीक है। हाँ तो यहाँ पे जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है लाइव स्ट्रीमिंग में या जो रिकॉर्डेड मोड में बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि अभी आज का सेशन ऐप में भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ऐप से रिलेटेड कोई इशू हो गए या आपके ऐप में जो ये सेशन स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ इन बिटवीन यहाँ पे प्लीज़ डोंट टॉक इन बिटवीन प्लीज़। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सेशन के एंड में मेरी टीम आपसे कनेक्टेड रहेगी, तो आपको अपना ऑर्डर आईडी और आपका प्रेफरेबल टाइम जो मेरी टीम आपको कॉल बैक करेगी वो आप जरूर दीजिएगा। इन बिटवीन कोई भी सवाल आप ना पूछिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी बात बेटा, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे 7 लेक्चर्स डेमो लेक्चर्स है। अगर आज नहीं आपके ऐप में इंस्टॉल हो पाया या नहीं दिख पा रहा है तो आगे और 5 लेक्चर्स बाकी है, कभी ना कभी तो दिख ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप थोड़ा पेशेंस रखिए और डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो भी आपकी क्वेरीज होगी सॉल्व कर दी जाएगी। क्लास के एंड में आपका ऑर्डर आईडी और आपका पासवर्ड। तो चलिए, जो स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है, यस फटाफट यहाँ पे अपनी प्रेजेंटी लगाइए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ये बताइए। अगर आवाज़ क्लियर आई है तो फटाफट लाइक करके बताओ। चलिए डन। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट में जो भी हमने कल के सेशन में देखा हम रिवाइज करेंगे, पर एक पॉजिटिव एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। लंबी सांस लो एक और कहो पूरे दिल से, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आए हम कुछ अच्छा करना है। और टैक्सेशन में इस बार 80 पार, उसके नीचे आपको सोचना नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन की। यहाँ पे कल के सेशन में हमने कुछ ज़्यादा नहीं देखा था, इसलिए अगर कोई ये फर्स्ट टाइम सेशन देख रहा होगा तो मैं ये बता दूं कि कल के सेशन में कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। मैंने जस्ट ये बताया कि नोट्स कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, और यस ओके नोट्स से रिलेटेड मैंने डिटेल डिस्कशन किया, थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कशन था। तो जो स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर 01 नहीं किया होगा तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा स्पीड में फटाफट कंप्लीट कर लेना। लेकिन आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये सेशन आप जरूर बहुत अच्छे से देखना है और स्पीड ये सेशन के लिए नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बता दूँ, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कल हमने यहाँ पे जस्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट देखा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस
दोनों अलग है, दोनों का ऑब्जेक्ट अलग है. डायरेक्ट टैक्स जो है उसका ऑब्जेक्ट है डोंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूमुलेट द इनकम. ओके, कंट्री के लिए वो खतरनाक सिचुएशन है. तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ओके, लोगों के जेब से पैसा निकालो और पब्लिक में लाओ, वो इकोनॉमी चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है. और इनडायरेक्ट टैक्सेस बिजनेस टैक्स है. जनरली ये गुड्स और कमोडिटी पे लग, गुड्स कमोडिटी या सर्विसेज पे लगता है. जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का एक टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है. और नो डाउट ये कोई किसी ने डिसाइड नहीं किया कि बर्डन पास ऑन होना चाहिए. ये कोई एक बिजनेस प्रूडेंट बिजनेस पॉलिसी है. हमने गब्बर सिंह वाला एग्जाम्पल लेके समझा उस बात को. और मैंने ये समझा है कि कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन जो है अगर उसको कोई टैक्स लग रहा है या गिफ्ट दे रहा है या जो भी वो कुछ पे कर रहा है ओके, तो उसकी कॉस्ट वो अपने प्राइस में ऐड कर ही देगा और वो बर्डन ट्रांसफर कर देगा. तो ये डिस्कशन हमने यहाँ पे किया था. डन, चलिए अब डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. नोट्स में ही मैंने जगह दी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस लिखने के लिए. तो आपको यहाँ पे नोट्स में डिफरेंस लिखना है. जो जो मैं कहूँगा उस टाइप से आपको यहाँ पे पॉइंट्स क्रिएट करने हैं और ये डिफरेंस लिखना है. चलिए फटाफट यहाँ लिखिएगा और स्टेटमेंट कैच कीजिएगा. इस आपको यहाँ पे तीन कॉलम बनाने हैं. पहला पर्टिकुलर्स, साउंड क्लियर आ रहा है बेटा? वॉल्यूम इज वेरी लो. साउंड का प्रॉब्लम सबको आ रहा है क्या? क्योंकि यहां से तो साउंड पूरा है. नोट्स नहीं है तो नोटबुक में लिखो बेटा. और मैंने कहा था कि लॉगिन में जाके प्रिंटआउट निकाल लो, प्रिंटआउट निकाल लो, नहीं तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो सह नहीं पाता. ठीक है, तो आप प्रिंटआउट निकाल लेना, नोट्स आ जाएगी. चलिए पर्टिकुलर्स, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस पर्टिकुलर्स में लिखो. पहला पॉइंट, लेविड ऑन. ओके, लेविड ऑन. अच्छा, लेवी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी. लायबिलिटी किस पे है? तो बताओ, डायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी किसके ऊपर है? इनकम पे. और इनडायरेक्ट टैक्स की? गुड्स और सर्विसेज. लिखो डायरेक्ट टैक्सेस में. मैं यहाँ डिक्टेट करने वाला हूँ इसलिए वर्ड्स पे पूरा ध्यान देना. पहला लिखो डायरेक्ट टैक्स में, इट इज लेविड ऑन इनकम अर्न्ड. इट इज लेविड ऑन इनकम अर्न्ड. इनकम अर्न बाय activities conducted. लिखते वक्त पूरा ध्यान और इस तरह से लिखो कि अभी लर्न हो जाना चाहिए मेरे साथ. Now indirect taxes लिखो, it is levied on product or services. प्रोडक्ट और सर्विसेस. चलो फर्स्ट पॉइंट इज ओवर. सेकेंड पॉइंट, इंसिडेंस ऑफ टैक्स. फटाफट बताओ, डायरेक्ट टैक्स का इंसिडेंट पास ऑन होता है या पेएबल बाय पर्सन कंसर्न? और इनडायरेक्ट टैक्स का ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ओके, लिखो, इट इज बोर्न डायरेक्टली बाय अ पर्सन पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट. Paying tax to the government. तो indirect tax में लिखिएगा, it is shifted to other person as
द पर्सन एज द पर्सन पेइंग टैक्स टैक्स टू द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम अल्टीमेट कंज्यूमर फ्रॉम अल्टीमेट कंज्यूमर फ्रॉम अल्टीमेट कंज्यूमर. चलिए, मतलब जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है वो अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लेगा और बर्डन क्या करेगा, पास ऑन कर देगा. डन, ठीक है. चलो तीसरा नेचर लिखो. इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. इन नेचर भाई प्रोग्रेसिव का मतलब क्या, दैट इज हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर पीपल हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर पीपल विथ हायर एबिलिटी टू पे हायर एबिलिटी टू पे हायर एबिलिटी टू पे. ये लिखो, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर. रिग्रेसिव इन नेचर, अंडरलाइन द वर्ड प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड रिग्रेसिव इन नेचर. इट इज रिग्रेसिव इन नेचर एज ऑल द कंज्यूमर्स इक्वली बियर द बर्डन बियर द बर्डन बर्डन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे ऑफ देयर एबिलिटी टू पे. किसी को हिंदी में लिखना होगा तो लिख देना, बच्चा हो या बेगर हो या मुकेश अंबानी का लड़का हो, सब पे सेम बर्डन ऑफ टैक्स आएगा. अगर किसी को लिखना है हिंदी में तो लिख सकता है, ठीक है. उसके बाद में फोर्थ, व्हेन इट इज पेड व्हेन इट इज पेड क्वेश्चन मार्क व्हेन इट इज पेड. मुझे बताओ, इनकम टैक्स पहले पे कर दिया जाता है बाद में इनकम आती है, इनकम आने के बाद पे होता है? करंट ईयर में इनकम आती है और असेसमेंट ईयर में पे होता है. डन, क्लियर. चलो, और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पहले कलेक्ट होता है बाद में टीचिंग सर्विस आती है. समझ आया? मैंने पहले टैक्स आ जाता है बाद में कमोडिटी एंड सर्विसेज साथ में आता है. तो चलिए, फर्स्ट लिखो, इट इज पेड आफ्टर द इनकम रिचेस इन द हैंड्स of taxpayer in the hands of taxpayer. I repeat, it is paid after the income reaches in the hands of taxpayer. ठीक है. और
which is the taxpayer. Taxpayer, which is the taxpayer. ये डिफरेंस फिर से एक बार अच्छे समझ लो. इनडायरेक्ट टैक्स में जनरली आपसे टैक्स इनवॉइस पे ही कलेक्ट कर लिया जाता है ऑन ट्रांजेक्शन बेसिस, ऑन ट्रांजेक्शन बेसिस, और बाद में आपको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड होती है. इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट. हाँ, एक व्हेन इट इज पेड में आप ऐसा भी एक डिफरेंस लिख सकते हो, और वो डिफरेंस ये कि जहाँ तक देखा जाए इनकम टैक्स जो ईयरली बेसिस पे होता है, तो ये मंथली मंथली बेसिस पे होता है. समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट. फिफ्थ नंबर, कलेक्शन. कलेक्शन बताओ कौन सा टैक्स गवर्नमेंट के एंगल से देखा जाए तो कलेक्ट करना आसान है? इनडायरेक्ट टैक्स. क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में साइकोलॉजी टू अवॉइड द टैक्स इज कंपैरेटिवली लेस. इनकम टैक्स में बहुत साइकोलॉजी है. पैसा आ गया, आप देखोगे जब आप ऑफिस में आर्टिकलशिप में वर्क करोगे तो कमाने वाला घर में एक ही होता है, पर इनकम टैक्स रिटर्न देने वाले बहुत होते हैं. मतलब पैसा कमाते फिर इसके नाम पे इनकम शिफ्ट करते, उसके नाम पे इनकम शिफ्ट करते, उसके नाम पे शिफ्ट करते, अवॉइड करते हैं टैक्स को, कम से कम टैक्स पे हो इसलिए. इसे समझ में आया? पर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है. मुझे क्या टेंशन है, आपसे लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया. इज इट क्लियर? तो लिखो कलेक्शन. इसमें फिफ्थ में लिखना टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट. अंडरलाइन द वर्ड डिफिकल्ट. टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, एंड एंड इट इज ऑन ईयरली बेसिस. इट इज ऑन ईयरली बेसिस. Tax collection is difficult and it is on yearly basis. तो यहां लिखो tax collection is relatively easier and collected at the time of sale और परचेस. एट द टाइम ऑफ सेल और परचेस ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस. फुल स्टॉप. नॉर्मली इट इज पेबल टू गवर्नमेंट ऑन मंथली और क्वार्टरली बेसिस. नॉर्मली इट इज पेबल टू द गवर्नमेंट मंथली और क्वार्टरली. सर ये क्वार्टरली कहां से आ गया? छोटे बिजनेसमैन वालों को क्वार्टर दिया है, मतलब जिसका टर्न और एक लिमिट से कम है, मैं आगे बताऊंगा, वो उनको गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप क्वार्टरली दो, और बड़े बिजनेसमैन वालों को मंथली पेमेंट. इज इट क्लियर? डन. चलो तो एक बार वर्ड टू वर्ड याद नहीं भी आया तो चलेगा, मैं आपको बात नहीं करेगा कोई, मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूँ, पूरे 5 पॉइंट रिवाइज कर. कितने पॉइंट्स हैं हमारे? चलो एक लिख लो और लिख लो एक 6 नंबर का. एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स इसमें डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल आप लिख लो. इनकम टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या बेटा? इनकम टैक्स. मतलब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आपको कुछ याद भी नहीं आया तो ये लास्ट वाला पॉइंट तो 100% याद आ जाएगा, है ना? इनकम टैक्स. तो इसका क्या एग्जाम्पल है? इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी, कस्टम ड्यूटी. जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा. आई रिपीट, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी,
सेल्स टैक्स एंड एक्सेट्रा. ओके, एक मिनट में सारे पॉइंट्स पूरे पूरे पूरा फोकस के साथ कि अभी के अभी लर्न होना चाहिए, पढ़ लो. चलो, डोंट वेस्ट योर टाइम. जो ऑनलाइन कनेक्टेड वो भी ध्यान दो. सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लो और ग्रिप लेके आ जाओ उसके ऊपर. आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम. योर टाइम इज वेरी प्रिशियस. डन. हाँ बेटे, डायरेक्ट टैक्स में आप ये भी लिख सकते हो कि एग्जाम्पल में गिव टैक्स भी होता है. आपको लिखना है तो लिख सकते हो. एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स तो लिखा है, और क्या गिव टैक्स होता है. गिफ्ट भी लिख सकते हो. वेल टैक्स होता था पहले, पर अब वो रिमूव हो गया. पर गिव टैक्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्या, डायरेक्ट टैक्स. चलो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. इंडिया में बेटा फेडरल स्ट्रक्चर है. फेडरल स्ट्रक्चर मतलब गवर्न बाय टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मेनली सेंट्रल एंड स्टेट. ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट, और स्टेट के अंडर में फिर कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ओके, इस तरह से स्ट्रक्चर लगता है. जैसे अब देखो, तीनों गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए. कौन सी तीनों गवर्नमेंट? सेंट्रल, स्टेट और लोकल. लोकल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी कहा जाता है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है. अब तीनों को अपने वर्क दिए गए हैं, तीनों गवर्नमेंट खर्चा करती है. जब तीनों गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो उनको भी पैसा चाहिए. तो तीनों गवर्नमेंट अपने लेवल पे टैक्स कलेक्ट पहले करती थी, और जीएसटी आने के बाद क्या हुआ ये भी बताओगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट कर रही है, और लोकल अथॉरिटी भी टैक्स कलेक्ट कर रही है. तो एक बिजनेसमैन पे तीनों गवर्नमेंट यहाँ पे रेडी हो जाती थी. तुमको मिला, हमको चाहिए. दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, तुमको मिला, हमको भी चाहिए. और ऊपर लोकल अथॉरिटी, तुमको मिला, हमको चाहिए. ये समझ में आया क्या? तो तीनों गवर्नमेंट 2017 के पहले कैसे टैक्स कलेक्ट करती थी, और 2017 जीएसटी आने के बाद क्या चेंज हुआ, थोड़ा नेक्स्ट हाफ आवर का डिस्कशन हम इसके ऊपर रखेंगे. ठीक है, आगे बढ़ने के पहले डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्या जानते हो? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान. वाह वाह. ओके ओके ओके. जहां तक देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये पास हुआ 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी इसलिए मनाते हम. अच्छा सर, आज डिफरेंस पता चला, 15 अगस्त और 26 जनवरी का. 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे था, और 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ. नाउ इट्स प्रोवाइड्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको अगर कहो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, ओके, ये सोर्स प्रोवाइड करता है फॉर एवरी लॉ. मतलब आज इंडिया में कोई भी लॉ नहीं बना सकता जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे अथॉरिटी नहीं देता है. कोई बता सकता है इनकम टैक्स की सोर्स एंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड. एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1, 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246. समझ में आया? 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246, ये एंट्री नंबर 82, इट्स अ सोर्स एंट्री. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिट किया कि यस इनकम टैक्स लॉ बना सकते हैं, तो यस इंडिया में इनकम टैक्स लॉ बना. वैसे हम जीएसटी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और जीएसटी भी जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता है हम जीएसटी इंडिया में नहीं लगा सकते. तो टैक्स के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है?
ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आज फिर से एक टैक्स का सब्जेक्ट देख रहे हैं। और ये आपकी, मतलब मैं आपका लक कहता हूँ कि आपको डीटी आईडीटी के लिए दो सेपरेट फैकल्टी और दोनों फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाती है, तो आपको जो है दोनों तरह से पूरा नॉलेज मिलता है। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीएसटी के बारे में क्या कहता है, पर जीएसटी के बारे में वो क्या प्रोविजन है, कौन से आर्टिकल है, कौन से एंट्रीज है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर के लिए क्या प्रोविजन है, चलिए आते हैं। ओके, यहाँ पे मैं मेनली तीन आर्टिकल डिस्कस करूँगा। मैं पहले कह रहा हूँ ये चैप्टर नंबर वन में काम के 7-8 पेजेस ही है, बाकी पूरा बेसिक फंडामेंटल डिस्कशन है। एग्जाम के हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे कि सर एग्जाम में क्या लर्न करना है, तो गिन कर 7 to 8 पेज। हाँ, जैसा पहला हमारा डिफरेंस हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? नाउ दूसरा, तो तीन आर्टिकल, आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246, हम ये तीन आर्टिकल्स डिटेल में देखने हैं। सो दोस्तों आर्टिकल 265 क्या कहता है, चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, व्हाट्स योर नेम बेटा? तनिक्ष, ठीक है, तनिक्ष ना, हाँ चलो। तो इमेजिन करो कि 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो जीएसटी लगाता है, समझ में आ रहा है, या टैक्स ऑन सेल। नेक्स्ट 5 मिनट्स इमेजिन करो तनिक्ष, ओके, यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, गुड सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा गले में रख रहा है, उसको मज़ा आ रहा है। ओके, कस्टमर ही कस्टमर्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, गले में रख रहा है। ओके, तो तनिक्ष अपना बिजनेस कर रहा है, इधर से एक ऑफिसर आया, वो देख रहा है यार कि भाई यार बहुत ये लाइन लगी हुई है लोगों की, और के और यहाँ पे गुड्स का सेल होते जा रहा है, यहाँ पे तो बहुत पैसा कलेक्ट कर रहा है तनिष, इमेजिन करना इंडिया में कोई लॉ नहीं है। तो वो ऑफिसर ने कहा, मिस्टर तनिष तुमको मिला, तो भाई तुम इतना कलेक्शन कर रहे, बिजनेस कर रहे, सो नाउ पे टैक्स। तनिष ने कहा, ऊपर से नीचे तक देखा, कौन, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। ओके, तुम बिजनेस कर रहे हो, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, लोगों से कमा रहे हो, तो तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करे। तनिष ने कहा, वेट वेट वेट, मिस्टर ऑफिसर, डू यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मी? हमने क्या अज्यूम किया, इंडिया में कोई लॉ नहीं, सो डू यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मी? ऑफिसर ने कहा, नो, गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ। वो ऑफिसर ने कहा, मैं गवर्नमेंट का ऑफिसर हूं और तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तनिक्ष ने कहा, हम पब्लिक है, पब्लिक, और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अथॉरिटी दी है, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो वो ऑफिसर की बहुत इंसल्ट हुई, लुट गए तेरी मोहब्बत में, अगर मिले खुदा तो पूछूगा खुदा, बहुत इंसल्ट हुई। उसने कहा, तनिक्ष, ओके, सीधे ढंग से बात करो मेरे साथ। तनिक्ष ने कहा, गेट आउट, चल निकल यहां से। तो उसने भी कसम खा ली ऑफिसर ने कि कसम की कसम, कसम से छोड़ूगा नहीं तनिक्ष तुझे दिल से। अब देख मैं आगे करता क्या, तो उसने अब डिसाइड कर लिया कि मैं तो टैक्स कलेक्ट करके रहूंगा तनिक्ष से, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड आई विल टेक दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो वो जो है आर्टिकल 265 के पास गया, आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसने अपनी व्यथा आर्टिकल 265 को बताया कि सर मैं वो तनिष पैसा कमा रहा था, गवर्नमेंट को कुछ दे नहीं रहा था, मैं टैक्स कलेक्ट करने गया उसके पास, तो उसने मुझे, सर उससे तो टैक्स कलेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताओ कि मैं कैसे कलेक्ट करूं। आर्टिकल 265 कहता है, यू वांट टू कलेक्ट टैक्स? यस। तो आर्टिकल 265 कहता है, नो टैक्स, आई रिपीट द वर्ड, क्या, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। इंडिया में किसी की ताकत नहीं है कि कोई टैक्स कलेक्ट करे जब तक लॉ ना बनाया जाए। सबसे पहले लॉ बनाओ, उस लॉ से ऑथोरिटी लो और फिर टैक्स कलेक्ट करो। ये कोई हफ्ता नहीं है,
इसको लीगल हफ्ता बनाओ, ये समझ में आया ना, इसको क्या बनाओ, लीगल हफ्ता बनाओ। तो आर्टिकल 265 कहता है, मिस्टर तनिष ये बताइए इंडिया में कोई लॉ है जीएसटी कलेक्ट करने के लिए? ऑफिसर ने, सॉरी तनिष नहीं ऑफिसर, तो मिस्टर ऑफिसर आपको जो टैक्स लेना है तनिष सर, तो इंडिया में कोई लॉ है टैक्स कलेक्ट करने के लिए? ऑफिसर ने कहा नो सर, तो पहले लॉ बनाया जाए एंड देन कलेक्ट द टैक्स, टैक्स में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो फिर वो ऑफिसर ने पूछा, ये बताइए सर कि लॉ बनाने की पावर किसके पास है, क्या मैं लॉ बनाऊं? आर्टिकल 265 ने कहा तू लॉ बनाएगा सुनेगा कौन? समझ में आया क्या? वो तो ऐसा ही हो गया कि वे यहाँ आपके में से कोई स्टूडेंट आ गया और यहाँ बोल रहा है कि सब चुपचाप बैठेंगे, सब बोलेंगे इधर। हाँ मैं बोलूँ तो बात अलग है, वो लॉ है। अरे है ना, और कोई स्टूडेंट बोल रहा है तो बोलेगा इधर इधर बता दे तेरे को। तो लॉ बनाएगा कौन? क्योंकि जब तक लॉ नहीं बनेगा उससे अथॉरिटी नहीं मिलेगी, तब तक हम टैक्स नहीं ले सकते। इज इट क्लियर? तो अब ये केस में वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, आर्टिकल 245 पिक्चर में आता है। और आर्टिकल 245 कहता है इंडिया में लॉ कौन बना सकता है? नाउ ये क्या कहता है देखो, इट एम्पावर्स, आर्टिकल 245, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर होल ऑन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ क्या, इंडिया। पार्लियामेंट, आपके पास नोट्स होगी तो पार्लियामेंट को ऐसा बॉक्स करो, पार्लियामेंट को ऐसा बॉक्स करो। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ क्या, इंडिया। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ क्या, स्टेट, मे मेक द लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। जैसा मैंने आपको कहा इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, गवर्न बाय टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन सा, सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट। तो आर्टिकल 245 ने सेंट्रल को पावर दी है स्टेट को, सेंट्रल एन है पार्लियामेंट, अरे समझ में आया क्या, और स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा, राज्यसभा नहीं, विधानसभा और लोकसभा, इनको पावर दी है कि आप लॉ बना सकते हो। जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो पूरे इंडिया के लिए बनाएगी या कुछ पार्ट छोड़ के बाकी इंडिया के लिए बनाएगी, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी इंडिया के लिए, कुछ यूनियन टेरिटरी को छोड़ के बाकी इंडिया के लिए। हाँ अब तो आर्टिकल 370 हट गया, वो बात अलग है, और ये मोदी जी का बड़ा स्टेप था और मानने लायक स्टेप था। मैं बहुत सी बातों पर एग्री नहीं हूँ पर बहुत सी अच्छी बातें भी की है, समझ में आया? तो ये आर्टिकल 370 के बाद थोड़ा इजी हो गया, नहीं तो पहले क्या होता था, जब भी कोई लॉ बनता था तो जम्मू एंड कश्मीर को कन्विंस करना पड़ता था कि भाई आप वो लॉ एक्सेप्ट करें, लेकिन अब इजी हो गया। इज इट क्लियर? तो दूसरा, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक द लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट से रिलेटेड लॉ बनाया तो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। अब बात क्या हुई, भाई मुझे टैक्स कलेक्ट करना है ऑन सेल और परचेस, तो मुझे ये बताओ कि सेंट्रल लॉ बनाएगा या स्टेट? आपने बोल दिया पार्लियामेंट बनाएगा, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाएगा, पर मेरे सब्जेक्ट पे, आई रिपीट द वर्ड, क्या मेरे सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा? तो इसमें फिर पिक्चर में आता है आर्टिकल 246, जो आगे कवर करूंगा। और आर्टिकल 246 सब्जेक्ट्स बताता है कि कौन से सब्जेक्ट पे सेंट्रल लॉ बनाती है, जैसा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स स्टेट लॉ क्यों नहीं है, इनकम टैक्स सेंट्रल लॉ क्यों है? क्योंकि करेक्ट, आपको थोड़ा बहुत याद होगा अगर पढ़ाया गया होगा तो देर आर थ्री लिस्ट अंडर शेड्यूल 7, आर्टिकल 246, बताओ कौन सी थ्री लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इज इट क्लियर? तो ये यूनियन स्टेट और ये बेटा पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल का बेस और ये पढ़ाना, ओके, जो आप सब देखते हो आज की जब क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो आपको ये सब फैकल्टी समझाती है, पर ये भी स्टार्ट 2005 में मैंने किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे, पर कुछ चीज़ें फंडामेंटल आपको समझना बहुत जरूरी है, और नो डाउट अब आप जीएसटी में आते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ के आते हो। इज इट क्लियर? तो तीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें सेंट्रल लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें
स्टेट लॉ, और कॉन्करेंट मतलब दोनों। चलो तीनों लिस्ट के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे अब थोड़ा लिस्ट पढ़ने के पहले मैं 2017 के पहले क्या होता था समझ लेते हैं, और 2017 के बाद क्या हुआ ये भी समझ लेते हैं। आर यू रेडी? वेरी गुड। चलो समझ लो, ये फैक्ट्री है। दिस डायग्राम इज मेड बाय मी, नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर, और ये ग्राफिक्स टीम ने यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को बनाया है, इसलिए आपके जितने भी ग्राफिक्स मिलेंगे ये पूरी टीम बनाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए, इज इट क्लियर? तो चलिए अब समझ लो, ये फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है। शुगर फैक्ट्री भाई शुगर केन से या रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन रहा है। तो इंडिया में पहले एक टैक्स था गुड्स पे, और वो था एक्साइज। एक्साइज था ओके मैन्युफैक्चर पे। अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर हो जाती है, फिर आप उसको बेचो या ना बेचो, मेरे वर्ड्स को कैच करना, बेचो या ना बेचो, अगर तुमने मैन्युफैक्चर कर लिया तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता था? एक्साइज। सर अगर हमने नहीं भी बेचा तो भी? यस, बेचा उससे कोई कंसर्न ही नहीं, इफ यू मैन्युफैक्चर्ड एक्साइज वॉज लिमिटेड। इज इट क्लियर? नो डाउट इसका पेमेंट इनवॉइस में क्वांटिफाई होता था। अगर तुम इनवॉइस बना रहे हो, नहीं बना रहे हो तो रूल्स थे कि कैसे वैल्यू निकाली जाए, उसकी डेट में नहीं जाना है। तो अगर आप कोई गुड्स बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और फिर मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे, तो समझ लो इसकी वैल्यू, समझ लो आपका ट्रक लोड हो गया, ट्रक लोड हो गया, गुड्स आपका जा रहा है, इनवॉइस बन रहा है, यहाँ पे आपका जो इनवॉइस बनेगा तो वैल्यू ऑफ गुड्स, लिखो मेरे साथ वैल्यू ऑफ गुड्स, आपके पास नोट्स होगी तो लिखो फटाफट। वैल्यू ऑफ गुड्स समझ लो 100,000 रुपये, ओके। और आप इसके ऊपर 2017 के पहले एक्साइज एट द रेट 10% इसके ऊपर दे रहे हो, 10 मतलब कितना? 10,000। टोटल वैल्यू कितनी हुई? 1,10,000। इसके ऊपर आप एक्साइज भी दे रहे हो 10,000, 1,10,000 आपका टैक्स हो, सॉरी टोटल वैल्यू है। देखो मैन्युफैक्चर किया इसलिए क्या लगा? एक्साइज, इसे उत्पादन कर कहा जाता था, और ये भी बहुत पुराना टैक्स था। ये भी टैक्स कैसे डेवलप हुआ? जो लोग पुराने फार्मर थे, अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाते थे, तो वो किंग को कुछ गिफ्ट भेजते थे, समझ में आया? जो भी उन्होंने उत्पादन किया, आई रिपीट, उसका कुछ पार्ट किंग को जाता था, और वहां से जन्म हुआ किसका? एक्साइज। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे केस में यहां पे एक्साइज, और देखो एक्साइज लगा मैन्युफैक्चर पे। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, क्या टैक्स इवेंट्स पे होते हैं? कम ऑन, टैक्स इवेंट्स पे होते हैं। आपने वो इवेंट को टच किया? आपने कौन सा इवेंट को टच किया? बोलो कौन सा इवेंट को टच किया? मैन्युफैक्चर। कौन सा टैक्स लगा? एक्साइज। और फिर ये मैन्युफैक्चर करके आप क्या कर रहे हो? सेल। तो फिर से आपने एक इवेंट को टच किया, क्या? सेल। तो क्या लगता था? सेल्स टैक्स, जिसे हम वैट कहते थे, जिसे हम पुराना क्या कहते थे? वैट। तो यस, एक बार फिर से, सेल्स टैक्स को क्या कहा जाता था? वैट। समझ में आया? वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसके ऊपर एक्साइज तो लगता ही था, उसके बाद में क्या? वैट समझ लो एट द रेट 10%, और ये 10% ऑन 1,10,000। आई रिपीट, 10% ऑन 1,10,000, यानी कितना हुआ? 11,000। टोटल करो कितना हुआ? 1,21,000। इसके ऊपर ऑक्ट्राय, कभी नाम सुना ऑक्ट्राय का? इसके ऊपर ऑक्ट्राय या LBT, लोकल बॉडी टैक्स, ओके। कोई स्टेट में ऑक्ट्राय नाम था, कोई स्टेट में LBT नाम था, और एक गुड्स पे टैक्स लगता था जिसका नाम था ऑक्ट्राय और क्या? LBT। LBT मतलब लिख देना लोकल बॉडी टैक्स। ऑक्ट्राय और LBT लिखते जाओ मेरे साथ, ऑक्ट्राय और LBT लगता था। समझ लो ये 4,000 रुपये लगा, तो आपकी टोटल प्राइस कितनी हुई? टोटल प्राइस 1,25,000। ऐसे टैक्सेस लगते थे। ये तो मेन ले रहा हो जो गुड्स पे लगते थे, क्योंकि भाई गुड्स पे लगने वाले टैक्सेस, सर्विसेज पे लगने वाले टैक्सेस, ये टैक्सेस मर्ज होके एक टैक्स बना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहले इस पे गुड्स पे कौन से टैक्सेस लगते हैं, सर्विसेज पे कौन से टैक्सेस लगते थे, ये तो समझ लेंगे।
हाँ या ना? तो ये तो मेजर टैक्सेस लगते थे, इसके अलावा भी छोटे छोटे टैक्सेस बहुत सारे थे गुड्स पे। तो ये जो था बेटा यहां पे, और रेवेन्यू एलोकेशन कैसा होता था, एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। एक बार फिर से, एक्साइज कौन है ना, एक्साइज का रेवेन्यू सेंट्रल ले रही है। वैट स्टेट का होता था, वैट का रेवेन्यू कौन ले रहा है, स्टेट ले रहा है। और ऑक्ट्राय वगैरह लोकल बॉडी ले रही है। मतलब क्या, एक बिजनेसमैन को तीनों गवर्नमेंट कहती है तुझको मिला मुझको, फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है। तो सेंट्रल कहती है तूने बिजनेस किया मेरे को दे एक्साइज, स्टेट कहता है तूने बिजनेस किया मेरे को दे वैट, और लोकल बॉडी कहती है तूने बिजनेस किया मेरे को दे LBT। समझ में आया क्या? तो ये तो गुड्स पे मेजर टैक्सेस थे। दूसरी बात, ये सेक्टर था मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स में बिजनेस करने वाले सेक्टर को समझ लो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इवन दो आपके पास बिजनेस नॉलेज नहीं है, पर आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आए। आई थिंक कल का सेशन आपको समझ में आया होगा और अभी तक का सेशन समझ में आ रहा होगा, यस और नो? तो दोस्तों, जहां तक देखा जाए गुड्स में बिजनेस करने वाले दो मेजर सेक्टर होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर और एक ट्रेडर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर? मैन्युफैक्चरर ट्रांसफॉर्मिंग द गुड्स, ट्रांसफॉर्म कर रहा है गुड्स को, और ट्रेडर परचेस एंड सेल कर रहा है। तो गुड्स में डील करने वाले दो सेक्टर थे। तो समझ लो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको एक्साइज भी देना पड़ता था क्योंकि आपने मैन्युफैक्चर किया, सेल किया इसलिए वैट भी, और थर्ड ऑक्ट्राय भी। पर मुझे बताओ, आप अगर सिर्फ ट्रेडर हो, समझ लो आपको मारुति का शोरूम है, मारुति कार बना रहा है वो मैन्युफैक्चरर है, पर आप डीलर हो, आपने मारुति से परचेस किया और सेल किया, तो मुझे बताओ क्या ये केस में, ये भी बंदा गुड्स कट बिजनेस कर रहा हो, पर ये केस में एक्साइज लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा एक्साइज? बोलो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है। जो इवेंट को आप टच करोगे वही करंट लगेगा, आपने मैन्युफैक्चरिंग इवेंट को टच ही नहीं किया। आई होप यू अंडरस्टूड। तो एक्साइज लगेगा ही नहीं, पर आपने सेल इवेंट को टच कर दिया तो क्या लग जाएगा? सेल्स टैक्स और LBT ऑक्ट्राय। वो तो क्या था, LBT ऑक्ट्राय का फंडा बहुत क्लियर था, हमारे सिटी में ला रहे हो, हमारे सिटी में ला रहे हो अदर सिटी से, तो ऑक्ट्राय दो, या यहां आके सेल कर रहे हो तो LBT दो। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे केस में अगर ये ट्रेडर है, ये ट्रेडर है और ये सिर्फ गुड सेल करता है, सेल करता है, लिखो वैल्यू समझ लो यहाँ पे, और ये सेल कर रहा है वैल्यू अज्यूम 1 लाख, तो इसके ऊपर एक्साइज नहीं लगेगा, इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? वैट, वैट, वैट एट द रेट ले लो 10%, कितना 10,000, टोटल 1 लाख 10,000, ये 10% अज्यूम कर रहा हूँ हमारे डिस्कशन के लिए, ठीक है। और क्या लग रहा है? ऑक्ट्राय और क्या? LBT, समझ लो ये 4,000, तो टोटल कितना? 1,14,000, ठीक है। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट पर रेवेन्यू जो मिल रहा था गुड्स पे, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे मिल रहा था, और स्टेट को जो मिल रहा था वो ट्रेडिंग सेक्टर में मिल रहा था। यानी थोड़ा आपको मैजिक बताता हूँ, बड़ा काम का है। हमने एक एग्जांपल देखा था, आपको याद है ये वाला, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर पा रहेगी तो बताओ किससे कलेक्ट करेगी? मैन्युफैक्चरर से। इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हुआ ही नहीं, रिटेलर से नहीं, होलसेलर से नहीं। समझ में आया क्या? तो आगे की चेन में सेंट्रल गवर्नमेंट चुपचाप बैठा है, कुछ मिल ही नहीं रहा उसका। वैल्यू एडिशन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। ब्रेक डांस मत देखो मेरा, कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान रखना। तो ये जो है वैल्यू एडिशन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, इज इट क्लियर? लेकिन सेंट्रल को कुछ नहीं मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, और स्टेट वाले बड़े खुश थे, सेल तूने भी किया, सेल तूने भी किया, सेल तूने भी किया, और प्यार मैंने भी किया। अरे समझ में आया क्या?
सेल्स सब कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वैट, यहाँ पे भी वैट, यहाँ पे भी वैट, यहाँ पे भी वैट, वैट आ चुका था, वैल्यू एडेड टैक्स, समझ में आया क्या? पहले था सेल्स टैक्स, तो सब लेवल पे, तो नो डाउट स्टेट गवर्नमेंट गुड्स के सेक्टर में डोमिनेंस कर रही थी, रेवेन्यू अच्छा था स्टेट्स का। आई होप ये चीजें समझ में आ रही हो। और सेंट्रल एक्साइज पे अब एक चीज मैं वापस आता हूं हमारे डिस्कशन पे, ओके हमारे डिस्कशन पे वापस आता हूं, और वो ये कि ये तो गुड सेक्टर है, पहले भी ओके 2017 के पहले भी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन गुड्स के, आई रिपीट द वर्ड क्या, गुड्स के अलग अलग टैक्स लगते थे। तो अगर यहां पे ध्यान सुनना, गुड्स एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में बेचा जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात, तो टैक्स लगता था सीएसटी, सीएसटी मतलब सेंट्रल सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। और अगर ये कौन सी सेल हुई फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर, इंटर स्टेट, ये कौन सी सेल हुई, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। और यहां से कुछ वर्ड्स जन्म लेने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इंटर स्टेट जिस पे कौन सा टैक्स लगता था, सीएसटी, आज भी कुछ गुड्स पे है, जीएसटी आने के बाद भी कुछ गुड्स पे है सीएसटी, आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियर। तो अब ये इंटर स्टेट, और एक होता था इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में जा रहा है महाराष्ट्र, इंट्रा स्टेट पे लगता था वैट, कौन सा टैक्स लगता था, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। मुझे ये बताओ अगर महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में सेल हो रहा है तो ये वैट का रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट का होना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। लेकिन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा जा रहा है तो ये रेवेन्यू, वर्ड क्या था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मतलब ये भी सेल्स टैक्स ही था और ये भी सेल्स टैक्स भी था, पर ये सेल्स टैक्स महाराष्ट्र का था और ये सेंट्रल। अब थोड़ी सी 5 मिनट इसकी हिस्ट्री बताता हूं, बड़े मजेदार हिस्ट्री है और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1950 से लेके तो 1957 तक सीएसटी नहीं था, ध्यान से सुनना, सीएसटी नहीं था, सेल्स पे टैक्स लगाने का पावर सिर्फ स्टेट के पास था, ठीक है, 7 साल तक सिर्फ स्टेट के पास था कि अगर आप सेल करते हो या परचेस करते हो तो टैक्स लगाने का पावर सिर्फ किसके पास है, लिस्ट टू स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास ही था, आई होप यू अंडरस्टूड। हुआ क्या, महाराष्ट्र से सेल हुआ इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसका सेल्स टैक्स ले रही है, लेकिन वो गुड्स आया गुजरात में तो गुजरात गवर्नमेंट उसके ऊपर परचेस टैक्स लगा रही है, दोनों गवर्नमेंट एक ही ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगा रही है, ट्रांजेक्शन एक ही हुआ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना था कि मेरे स्टेट से सेल हुआ, अरे समझ आया ना, मेरे स्टेट से सेल हुआ इसलिए मैं टैक्स लूंगा, गुजरात गवर्नमेंट का कहना था मेरे स्टेट में कंज्यूम हुआ, अगर मेरे स्टेट में कंज्यूम हुआ, मेरे स्टेट का बाहर ले रहा है तो मैं क्या लगाऊंगा, परचेस टैक्स, मुझे भी रेवेन्यू चाहिए। इतना झगड़ा स्टेट्स में, इतना झगड़ा कि इससे इंडस्ट्री बहुत परेशान हो गए, इंडस्ट्री का यह कहना था ये क्या बात हुई यार, एक ट्रांजेक्शन पे दो दो टैक्सेस लगाए जा रहे, ये तो लूटा जा रहा है, किस बात का इंडिपेंडेंस मिला हमें, क्या इसके लिए हमने इंडिपेंडेंस लिया कि दो स्टेट ही झगड़ रहे हैं, दोनों स्टेट टैक्सेस लगा रहे हैं, ये गलत है, गलत है, गलत है। इस समझ में कि आप सेल्स टैक्स भी लगा रहे हो और परचेस टैक्स भी लगा रहे हो यार, एक ही ट्रांजेक्शन पे लूट रहे हो। महाराष्ट्र का कहना था हमें क्या लेना देना, तो गुजरात का कहना था मैं कई कर छू जो भी है तो जहां तक देखा जाए तो हम मुझे क्या लेना देना। अब दोनों स्टेट जो है यहां इतनी लड़ाई हुई 1956 में, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उन्होंने
एक प्रपोजल रखा इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कि जो दो स्टेट का मामला होता है इंटर स्टेट के केस में, इससे जन्म होगा आईजीएसटी का, ध्यान में रखना, समझ में आया? और आईजीएसटी का स्ट्रक्चर समझेगा जब इसके बेस पर, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, लेकिन तुम्हारा बेस इतना पक्का होगा कि आईजीएसटी इंटीग्रेटेड और वो उसका रेवेन्यू एलोकेशन कैसा है, ये समझ में आया? तो 1957 में यहाँ पे, सॉरी 56 में प्रपोजल रखा इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब एक सेकंड में समझ, लोकसभा दे आर द मेंबर इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया, और राज्यसभा मेंबर होते स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है कि सेंट्रल में क्या चल रहा है देखो, हर स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। तो ये प्रपोजल रखा गया कि सेल्स टैक्स पे, ओके बहुत उठा उठा उसको, बहुत अच्छा प्रपोजल, उठ जा बहुत, और देख कैसा होता है, इधर सुन क्या नाम है तेरा, शिवकुमार, शिवकुमार कैसा है, हम जब सुनते हैं तो ऐसा ऐसा बैठना, क्योंकि क्या होता है अगर ऐसे बैठे हैं तो एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कान तो सुन रहा है, आंखों का क्या मतलब, सर तो कोई इतने स्मार्ट दिख नहीं रहे, ठीक है तो भाई कान तो सुन रहे है, धीरे धीरे फिर कान को ऐसा लगता है मैं अकेला क्यों नहीं बन, और फिर हल्के हल्के तुमको क्या आती है, नींद आती है, एसी की ठंडी हवा, मेरी मधुर आवाज, तो थोड़ा ध्यान दे, ओके हाँ। और बेटा अब अगर उसको कोई हल्की हल्की नींद भी आई तो मैं तुझे बाहर निकालूंगा जो बाजू में बैठा है, तेरी तो कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नालायक, ठीक है तो चलिए वापस आते हमारे डिस्कशन पे। 1956 में जब सेंट्रल ने ये प्रपोजल दिया कि ठीक है भाई, यहां पे जब सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा तो इसकी पावर स्टेट से हटाते हैं और सेंट्रल अपने हाथ में लेती है, और एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में सेल होगा तो उसके ऊपर टैक्स लगाने का पावर क्या सेंट्रल को मिलेगा। सारे स्टेट डर गए, एक्साइज इन्होंने लिया हमने कुछ नहीं बोला, कि इन्होंने लिया सेंट्रल ने, इनकम टैक्स इन्होंने लिया हमने कुछ नहीं बोला, कस्टम ड्यूटी इन्होंने लिया हमने कुछ नहीं बोला, सेल्स टैक्स जो हमारे पास था उसमें भी समझ आ रहा है, उसमें भी अरे सेल्स टैक्स जो हमारा रेवेन्यू था उसमें भी गलत है, और सारे स्टेट अगेंस्ट में हो गए और स्टेट राज्यसभा के सारे मेंबर बाहर, कोई वोटिंग नहीं, सेल्स टैक्स हमारा था हमारा है हमारा है। और जनरली होता क्या है, अभी तक तो झगड़ रहे थे पर जैसे सेंट्रल बीच में आया सब एकजुट हो गए, तुमने हॉस्टल में देखा होगा वैसे हम लड़ते हैं पर दूसरे रूम का कोई आ गया कि हम एक हो जाते हैं, आ जा बेटा आया ना, हाँ हम एक हो जाते हैं। तो जहां तक देखा जाए सारे स्टेट एक हो गए कि यार ये रेवेन्यू तो वो सेंट्रल लेके जा रही है। तो फिर 1957 में ये बात पे जमी कि ठीक है, जब स्टेट की ट्रांजेक्शन होगी फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर, लॉ सेंट्रल बनाएगा, पॉलिसी सेंट्रल बनाएगा, सुनना ध्यान से, लॉ कौन बनाएगा सेंट्रल, पॉलिसी कौन बनाएगा सेंट्रल, रेट कौन फिक्स करेगा सेंट्रल, पर रेवेन्यू स्टेट को ही दिया जाएगा, रेवेन्यू स्टेट को ही दिया जाएगा, ठीक है आपको रेवेन्यू से कंसर्न है ना, हम रेवेन्यू आपको ही देते हैं लेकिन झगड़ो मत प्लीज, और पूरी पॉलिसी किससे बनेगी सेंट्रल, और रेवेन्यू दिया गया सेलर स्टेट को, आई रिपीट रेवेन्यू फिक्स हुआ किसका सेलर स्टेट का, तो आप झगड़ेंगे नहीं, एक ही टैक्स लगेगा, क्या नाम होगा उसका सीएसटी, और ये रेवेन्यू सेलर स्टेट का होगा, मतलब बताओ हमारे ट्रांजेक्शन में किसका होगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का होगा। तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू था क्योंकि जो स्टेट में इंडस्ट्री ज़्यादा वो स्टेट से सेल ज़्यादा, वो स्टेट से अगर सेल ज़्यादा तो उस स्टेट का सीएसटी रेवेन्यू ज़्यादा, ये समझ में आया क्या, वो स्टेट का सीएसटी रेवेन्यू ज़्यादा, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे केस में नाम है सीएसटी, लॉ बनाएगा सेंट्रल लेकिन रेवेन्यू किसका रहेगा, तो ये रेवेन्यू गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, रेवेन्यू गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, रेवेन्यू गिवन टू
given to seller state, seller state, CST का done. चलो ये डिस्कशन हमने देखा. अब आते हैं कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी में आपके ऊपर जब गुड्स इंपोर्ट होता है, हम देख रहे हैं गुड्स पे लगने वाले टैक्सेस कितने जमा हो गए हमारे पास. गुड्स पे लगने वाले टैक्सेस एक्साइज, वैट, एलबीटी, ऑक्ट्राय, सीएसटी. अरे है ना, कितने जमा हो गए. एक और टैक्स जो गुड्स पे लगता था, अगर बाहर के कंट्री से इंडिया में गुड्स आ रहा है तो उसके ऊपर लगता था, लिखो यहाँ पे बीसीडी. बीसीडी मतलब क्या? बेसिक कस्टम ड्यूटी. बेसिक कस्टम ड्यूटी. और एसीडी लगती है. एसीडी मतलब एडिशनल कस्टम ड्यूटी. डिटेल डिस्कशन इन कस्टम सीए फाइनल. और जो सीएमए स्टूडेंट है तो हम कस्टम में देखेंगे एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी. ये इंपोर्ट ट्रांजैक्शन पे लगती थी और गुड्स पे लगती थी. एक बेसिक लगता था और एक एडिशनल लगता था. एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती थी. ठीक है चलो. ऑक्ट्राय और एलबीटी. ऑक्ट्राय एलबीटी का इवेंट क्या था? कोई स्टेट अदर सिटी से हमारे सिटी में आता है तो उसको एक टैक्स लगता था, वो था ऑक्ट्राय एलबीटी. बताओ किसका रेवेन्यू था? स्टेट का, सॉरी लोकल ऑथोरिटी. ओके, रेवेन्यू ऑफ ऑक्ट्राय और एलबीटी. एलबीटी मतलब लिख देना लोकल बॉडी टैक्स, नहीं तो बाद में व्हाट्सएप आएगा आपका. लिखा है ना ऑक्ट्राय एलबीटी. रेवेन्यू ऑफ ऑक्ट्राय और एलबीटी इज गिवन टू लोकल ऑथोरिटी. इज गिवन टू लोकल ऑथोरिटी. लोकल ऑथोरिटी डन. तो ये अब बात करते हैं सर्विस टैक्स की. सर्विस टैक्स इंडिया में लाया गया 1994 में. ओके, अब क्या हुआ, जब सर्विस टैक्स लाया तो रेवेन्यू जो रखा वो सेंट्रल ने रखा. भाई सर्विसेज इंडिया में जितनी भी प्रोवाइड होगी उसका सर्विस टैक्स का रेवेन्यू सेंट्रल का. स्टेट वालों ने कहा क्यों हमको नहीं दोगे कुछ भी. सेंट्रल वालों ने कहा देखो गुड्स के केस में हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे लेते थे, बाकी तुम कलेक्ट करते थे. हमने कुछ आपको बोला नहीं ना? अरे है ना सर, ये सेंट्रल और स्टेट ही झगड़ते हैं. हाँ सेंट्रल में बीजेपी, स्टेट में आप. अरे समझ में है क्या? सेंट्रल में बीजेपी इधर तो सेंट्रल और स्टेट झगड़ते हैं. हाँ झगड़ते. ओके तो सेंट्रल वालों का देखो गुड्स के केस में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने एक्साइज ली थी, बाकी तो तुमने ही वैट लिया था. अब सर्विसेज पे जो टैक्स लगेगा वो पूरा हमारा होगा. स्टेट वाले नहीं माने. तभी फिर एक चालाकी हुई कि ये कहा था कि ठीक है जैसे जैसे सर्विस टैक्स डेवलप होगा आगे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर 2017 तक कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया स्टेट वालों को. पूरा रेवेन्यू किसने रखा? सेंट्रल. इज इट क्लियर? तो सर्विस टैक्स का पूरा रेवेन्यू किसके पास था? सेंट्रल के पास था. सेंट्रल के पास था, वो सेंट्रल लॉ था. और 2017 के पहले सर्विसेज दो पार्ट में डिवाइड नहीं होती थी, इंट्रा और इंटर. 2017 के बाद डिवाइड होने लगी कि इंट्रा स्टेट सर्विस और इंटर स्टेट सर्विस. पर उसके पहले सेंट्रल लॉ था. इनकम टैक्स में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा ओके इंट्रा स्टेट इनकम, इंटर स्टेट इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स सेंट्रल लॉ है. पूरे इंडिया में कहीं पे भी कमाओगे एक ही टैक्स लगेगा. कौन सा? इनकम टैक्स. कौन सा टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स लगेगा. वैसा से सर्विस टैक्स था. और 2017 के पहले सर्विस टैक्स के कंप्लायंसेस बहुत इजी थे. सर क्यों? आगे आगे देखो. क्योंकि सेंट्रल टैक्स था. कहीं पे भी इंडिया में मैं सर्विसेज दू, टैक्स मुझे पुणे में पे करना है. पर जीएसटी के बाद ऐसा नहीं रहा. तो जो भी है, तो यहां पे मैं सर्विसेज आपको ऑनलाइन अभी क्लास में दू. आप क्लास में बैठे हो,
या ये कैमरा से कोई मुझे वर्चुअल देख रहा है, समझ में आया क्या? तो ये कैमरे से कोई मुझे यहाँ पे वर्चुअल देख रहा है, मैं सर्विस सेम स्टेट में दू या अदर स्टेट में दू, एक ही टैक्स लगता था। और कौन सा टैक्स लगता था बेटा? सर्विस टैक्स। और ये रेवेन्यू किसका था? रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो चलो चलो, तो एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करो। गुड्स के लिए कौन कौन से टैक्सेस थे, लिस्ट एक्यूमुलेट करो, कौन कौन से? एक्साइज, वैट, LBT, ऑक्ट्राय, CST, कस्टम ड्यूटी। समझ में आया क्या? मेजर बता रहा हूँ, छोटे छोटे तो बहुत सारे थे। और सर्विस सेक्टर में कौन सा टैक्स था? एक ही टैक्स था, एक ही टैक्स था। कौन सा? सर्विस टैक्स। टोटल रेवेन्यू किसका था? सेंट्रल का। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो, एक लग्जरी टैक्स भी लगता था बड़े बड़े होटल में, 3-स्टार 5-स्टार होटल में। यानी इन एडिशन टू सर्विस टैक्स, होटल सर्विस थी, इन एडिशन टू सर्विस टैक्स इनके ऊपर कौन सा टैक्स लगता था? लग्जरी टैक्स। और ये लग्जरी टैक्स का रेवेन्यू सेंट्रल स्टेट का था। ओके, तो लिखो, इन एडिशन टू सर्विस टैक्स, इन एडिशन टू सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट was levying luxury tax on hotel industry and etc. एक बार फिर से, लग्जरी टैक्स का रेवेन्यू स्टेट का था, ठीक है। उसके बाद में लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इसके ऊपर भी टैक्सेस थे। और नो डाउट ये टैक्स कौन लगाती थी? स्टेट गवर्नमेंट। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये भी टैक्सेस थे, और ये टैक्सेस कौन लगाती थी? स्टेट गवर्नमेंट। चलिए, मेजर तो हमने देख लिया, डन। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, फटाफट आ जाओ। ओके, प्रॉब्लम इन एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। चलो, छोटा सा डिस्कशन है इसको, तो फिर लिखना कैसे हम आगे देखेंगे, पर मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या था। इंडिया के हर स्टेट में आप अपने सेपरेट वैट लॉज थे, सेपरेट वैट लॉज होने की वजह से सबके सेपरेट प्रोविजंस थी, सेपरेट एक्ट थे, सेपरेट गुड्स के रेट्स थे। तो इसमें गड़बड़ क्या होती थी मैं आपको बता दूँ। पहले इतने प्रॉब्लम होते थे कि महाराष्ट्र में कोई गुड्स का रेट 12% तो गुजरात में कोई वही गुड्स का रेट 8%, और स्टेट ही लड़ रहा है एक मेक से। क्यों स्टेट लड़ रहा है? अब ध्यान से सुनना, कुछ जो चीज़ जन्म हुई थी वो कैसे इंपॉर्टेंट बनती है। स्टेट जो है अपने स्टेट में इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना चाहते थे, क्योंकि जो स्टेट में इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा, वो स्टेट का CST का रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ याद आया कि नहीं? क्योंकि वो स्टेट की इंडस्ट्री से पूरी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका CST का रेवेन्यू ज्यादा ज्यादा। महाराष्ट्र का CST का रेवेन्यू 15,000 करोड़, उसमें से मुंबई का सबसे मेजर था। समझ में आ रहा है? तो हर स्टेट चाहता था कि मेरे स्टेट में इंडस्ट्री आए, मेरे स्टेट में इंडस्ट्री आए तो कैसे अट्रैक्ट करे, तो आप हमारे यहाँ प्लांट लगाओ, इस गुड्स का रेट जो है हम यहाँ पे सब लोग 12 दे रहे, हम 8% ही लगाएंगे हमारे स्टेट में वैट। इंडस्ट्री सोचती थी वाह चलते गुजरात। समझ में आया क्या? फिर महाराष्ट्र को पता चलता, अच्छा गुजरात ने 8 दिया, हमारे यहाँ 6%। उधर दिल्ली बोलता था, अच्छा 4%। तो पंजाब बोलता था, आ जाओ कुछ भी नहीं, आ जाओ ओके हम कुछ भी नहीं लेंगे, पहले 5 साल आपसे टैक्स ही नहीं लेंगे। अब इसमें क्या होता था, स्टेट लड़ी रहे थे एक मेक से, रेवेन्यू किसका खराब हो रहा है? गवर्नमेंट का। फायदा कौन ले रही है? इंडस्ट्री। तो देर वॉज टैक्स रेट वॉर बिटवीन द स्टेट। सबके कंप्लायंसेस अलग, सबके रिटर्न अलग। यानी कोई बड़ी इंडस्ट्री पूरे इंडिया में बिजनेस करना चाहे तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थे। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के लिए कंप्लायंस टीम अलग रखो, गुजरात के लिए कंप्लायंस टीम अलग रखो, क्योंकि हर स्टेट में बिजनेस चल रहा है। और ये क्या बेट कि हाँ हम ही लड़ रहे हैं, हमारे स्टेट ही लग रहे, दे रूइन देयर फाइनेंस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर।
भाई लड़ो तो आप क्वालिटी पे लड़ो, रेट पे क्यों? भाई यहां पे ओके, एक जस्ट एकेडमी का एग्जाम्पल है, मैं आईडीडी का फीस इतना चार्ज कर रहा हूं, दूसरा कोई दूसरा कम चार्ज कर रहा है, कोई तीसरा कम चार्ज कर रहा है, ओके एंड यहां पे ओके वॉर हो रहा है, भाई क्यों ना हम सब लोग साथ में आए, एक टाइम एक फीस एक डेट, अरे समझ में आया? और लड़ना है तो अपने क्वालिटी पे लड़ो, फीस पे क्यों लड़ते हो? फीस पे क्यों लड़ते हो? तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो सेंट्रल ये कहती थी कि यार इससे तो स्टेट की डेवलपमेंट फिर इंडिया की डेवलपमेंट होगी, हम तो रेवेन्यू ही सैक्रिफाई करके हमारी डेवलपमेंट रोक रहे हैं, तो फिर इंडिया की ग्रोथ कैसे होगी, जीडीपी कैसे बढ़ेगा? तो पहला प्रपोजल डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्होंने दिया था जीएसटी का, कि भाई इंडिया में जीएसटी लाया जाए, बहुत सारे कंट्री में आ चुका था। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे या नहीं मुझे नहीं पता, समझ में है? और आज भी बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है, आज भी बहुत बड़ा अगर कोई सिचुएशन आ जाए इकोनॉमिकल तो उनसे राय ली जाती है। तो उन्होंने ये पहल रखा कि भाई सारे स्टेट आके कॉमन लॉ क्यों ना बनाया जाए, बहुत सारे बैरियर्स थे। इवन मैं आपको बताऊं कि एक स्टेट से जब गुड्स दूसरे स्टेट में जाता, गोवा से गुड्स महाराष्ट्र में आ रहा है, तो स्टेट बॉर्डर पे इतनी चेकिंग होती थी, क्योंकि कहीं टैक्स अवॉइड तो नहीं हो रहा है, कहीं सीएसटी अवॉइड तो नहीं हो रहा है, तो स्टेट पे ऐसी कतार लग जाती थी व्हीकल्स की, ट्रक की, क्यों? क्योंकि हर ट्रक डिटेल में चेक हो रहा है। जो ट्रक गोवा से महाराष्ट्र में एक दिन में आ सकता था उसको 6-6 दिन लग जाते थे, ये समझ में आए क्या? बहुत सारे बैरियर्स थे। इसको तो इतना अच्छा रिजॉल्व किया जीएसटी में इन द नेम ऑफ ई वे बिल, सुना होगा आपने, सुपर सुपर प्रोसीजर है, मजा आएगा आपको। ई वे बिल मैकेनिज्म से उन्होंने इतना स्ट्रीमलाइन किया है चीजें, आगे हम देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, सेपरेट लॉज, सेपरेट प्रोसीजर, सेपरेट कंप्लायंसेस, बॉर्डर चेक, तो ये सारे लॉ को उन्होंने कोशिश की रिजॉल्व करने की, एक यूनिफाइड कोड लाने की, और वो था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, जिसका था नाम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखते हैं जीएसटी था क्या, कैसे रिजॉल्व किया प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यहां पे सेंट्रल, यहां पे सेंट्रल और स्टेट, इससे पता चलता है कि बुक अपडेटेड है, ठीक है? तो जहां तक देखा जाए तो सेंट्रल और स्टेट, एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया, एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया, जिसको कहा गया, जैसा हम जिसको हम कहते हैं परिषद, जिसमें सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ याद आ रहा है मैंने कुछ कहा था आपको, और सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर साथ में बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक यूनिफाइड कोड लॉ लाए जिसका नाम हो क्या, जीएसटी। तो चलो दोनों बैठे हैं सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल वालों ने कहा चलो एक काम करो, हमारे गुड्स के सारे टैक्सेस हम मर्ज करने के लिए रेडी है, एक साइज लो रखो, दूसरा कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी रखो, सर्विस टैक्स वो भी डाल दो, बाकी कोई होगा वो भी डाल दो, स्टेट वालों तुम बताओ क्या करने वाले हो। तो स्टेट वाले जैसा सेंट्रल वालों के पास क्या क्या था, क्या क्या था, जितनी भी अलग अलग एक्साइज ड्यूटी थी, अलग अलग एक्साइज ड्यूटी थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन हम डाल देंगे, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कहाँ पड़ा था, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कस्टम्स में एक बीसीडी लगता था, एक बीसीडी लगता था और एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ठीक है, बीसीडी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी, तो ये प्लस क्या सर्विस टैक्स और कोई भी सर चार्जेस हो गए, सेस हो गए, हम सब कुछ ऐड कर देंगे, हम सब कुछ ऐड कर देंगे। स्टेट वालों ने कहा चलो ठीक है, अब बैठे हैं तो सब एक झोली में लाते हैं, हम भी
ओके स्टेट वैट सेंट्रल सीएसटी, सीएसटी का रेवेन्यू किसके पास था? देखो मैंने वो हिस्ट्री इसलिए बताई क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते थे कि सर स्टेट वाले की इसमें सीएसटी आया कैसे, पर ये तभी समझता है जब वो समझता है। ये समझ में आया क्या? तो सीएसटी हम देने के लिए रेडी है हमारा रेवेन्यू। उसके बाद में क्या, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था जैसे अम्यूजमेंट पार्क सिनेमा, अरे समझ में आया क्या, एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट के पास था, हम वो भी देंगे। इसको सिर्फ अंडरलाइन करना, अभी नहीं पढ़ा होगा, अभी सिर्फ मैं अंडरलाइन पढ़ा होगा, ठीक है। अदर देन दोज लेविड बाय लोकल बॉडी, ये मैं बाद में लेता हूँ, इसका मीनिंग क्या है। लग्जरी टैक्स, कुछ याद आया लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स कौन से थे, ऑक्ट्रा एलबीटी, आपको लिखना है तो लिख दो, एंट्री टैक्स मतलब कौन से, ऑक्ट्रा और एलबीटी, लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग और बाकी सारे सरचार्ज और सेस। ये एक सवाल 2018 में पूछा था, उसके बाद नहीं पूछा। विच टैक्सेस आर मर्ज इन जीएसटी और सब्स्यूम इन जीएसटी, उसके बाद अभी नहीं पूछा, अभी तक नहीं पूछा, तो एक बार लिस्ट हमारे साथ रिवाइज हो जाए। कम ऑन, आर यू रेडी? चलो पहला सेंट्रल की कौन कौन से टैक्सेस, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी लेविड ऑन मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन, उसके बाद में कौन सी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, और स्टेट के कौन कौन से, स्टेट वैट, सीएसटी, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग और सरचार्ज एंड सेस। ये सारे टैक्सेस को मर्ज करके दोनों गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, यानी सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर और यहां बैठे सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, अब हम इंडिया में एक ही टैक्स लगाएंगे जिसका नाम होगा जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। सर वन नेशन तो समझ गया, वन टैक्स भी समझ गया, वन मार्केट नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे देखो पता है, समझ में आया। तो जहां तक है जीएसटी लाया गया, फिर अब सवाल क्या खड़ा हुआ, चलो ठीक है जीएसटी लाना है, मतलब जीएसटी अगर लगाएंगे तो ये सारे टैक्सेस अब नहीं लगेंगे, मजा आया ना, जीएसटी लगाएंगे तो ये सारे टैक्सेस अब नहीं लगेंगे। अगर हम जीएसटी लगाएं और जीएसटी का रेट 12% फिक्स करें तो इसमें स्टेट कितना रखेगा और सेंट्रल कितना रखेगा, इसके ऊपर 3 साल डिस्कशन चला। स्टेट ने बोला देखो ना हम कितने सारे टैक्सेस मर्ज कर रहे हैं, और सेंट्रल ने बोला हम भी मर्ज कर रहे हैं, पर स्टेट का कहना था कि हमें 70% दिया जाए और सेंट्रल कितना 30% लगा, तो सेंट्रल ने कहा ऐसे कैसे कि तुम 70 रख लोगे और हम 30-30। एट लास्ट डिसाइड हुआ एक काम करते 50-50, सीजीएसटी 50 तेरा, एसजीएसटी 50 मेरा। ये समझा या नहीं समझा, ये समझ में आया? तो एट लास्ट डिसाइड हुआ कि जो भी जीएसटी रेट हम मिलकर डिसाइड करेंगे सारे लोग, वो डिवाइड कर दिया जाएगा 50-50। हाँ तो आपको ये समझ में आया होगा कि 50-50 का जन्म कहां से हुआ, यस और नो? तो यहां पे जहां तक है, नहीं मैं आपको ये बता दूं बेटा जीएसटी पढ़ाने में तो क्या है, मेरी तो कैपेसिटी इतनी है कि मैं 10 दिन में खत्म कर दूं, खत्म करने में टाइम नहीं लगता है, तुम्हारे रूह तक जाने में टाइम लगता है। अरे समझ में आया क्या? हाँ वो तो क्या है, मैं 10 दिन में खत्म कर दूं। हाँ मैं कहता हूं आप बिल्कुल मेरे को ऐसा कोरा कागज लाओ, कोरा कागज था ये मन तेरा, लिख दिया मैंने नाम जीएसटी का मेरा, समझ में आया क्या? तो ये खत्म करने में कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर? तो जहां तक देखा जाए तो ये जो था सारे टैक्सेस मर्ज हुए। अब आपको पता नहीं एग्जाम में पूछेगे नहीं पूछेगे, क्योंकि तब जीएसटी नया नया था, 2018 में पूछ लिया ये क्वेश्चन, अब पता नहीं, पर मेरे क्वेश्चनियर में है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब तुमने नहीं पढ़ा तो इसमें तेरा घाटा कुछ नहीं है, ठीक है? तो अब ऐसे केस में आगे देखो, टैक्सेस नॉट सब्स्यूम इन जीएसटी,
ऐसे कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी आने के बाद भी एक्स्ट्रा लगते हैं? आई रिपीट द वर्ड, ऐसे कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी में मर्ज नहीं हुए और जीएसटी आने के बाद भी एक्स्ट्रा लगते हैं या अलग से लगते हैं? तो इंपॉर्टेंट ये इस पर सवाल आ सकता है, टैक्सेस नॉट सबसेम इन जीएसटी। एक है प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी। अगर आपका कॉमन सेंस काम कर रहा होगा तो स्टैम्प ड्यूटी बताओ, स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर लगती है? सेल पे, बिल्डिंग सेल पे, प्रॉपर्टी सेल पे। अच्छा, तो स्टैम्प ड्यूटी क्यों नहीं जीएसटी में मर्ज हुई, कोई लॉजिक बता सकता है? कॉमन सेंस है ये, कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं इसमें। जीएसटी ये गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स मतलब मूवेबल, और हमारी रियल एस्टेट ये इमूवेबल है। स्टैम्प ड्यूटी ये आपके इमूवेबल पे लगती है, इसलिए वो जीएसटी में आ ही नहीं सकता, उसके ऊपर अलग से स्टैम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी पे अभी जीएसटी में कवर नहीं किया है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड्स पर वो जीएसटी में नहीं है, उसके ऊपर अलग से टैक्स लगता है। इसलिए टेलीफोन बिल पे जीएसटी दिखेगा पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जीएसटी नहीं दिखेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, उसके ऊपर सेपरेट टैक्स रखा। तीसरा एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बेसिक कस्टम ड्यूटी, कहाँ बढ़ा था बेसिक कस्टम ड्यूटी? जब आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट करने पे दो ड्यूटी लगती है, बोलो कौन सी दो ड्यूटी लगती है? जीसीडी एंड एसीडी। एसीडी जीएसटी में आ गया, बीसीडी नहीं आया। मतलब आज भी कोई इंडिया में इंपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर बीसीडी लगेगा और जीएसटी लगेगा, क्योंकि एसीडी का नाम बदल दिया किसमें? जीएसटी। समझ में आया क्या? तो बीसीडी तो लगना ही है, बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। और एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, मैंने अभी भी आपको कहा था कुछ गुड्स पे आज भी एक्साइज लगती है, जिसमें अल्कोहल आ गया, पेट्रोल आ गया। पर सर क्यों अल्कोहल पे आज भी एक्साइज क्यों है, पेट्रोल पे आज भी एक्साइज क्यों है? आगे देखिए होता है क्या, ये समझ में आया? तो ये लर्न करना है आपको कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम है। तो चलिए अब मुझे ये बताइए, हमने 2017 के पहले देखा जब मैन्युफैक्चर गुड्स बेचता था तो उसके ऊपर एक्साइज लगता था, वैट लगता था, लोकल बॉडी टैक्स लगता था, वो बड़ा परेशान था। समझ में आया? वो टेली मार्केटिंग की ऐड देखी ना आपने, वो बड़ा परेशान था, फिर जीएसटी आया। तो मुझे बताओ, आज अगर मैन्युफैक्चरर बेच रहा है तो एक्साइज, वैट, एलबीटी, कोई ऐसे टैक्सेस लगेगी या एक ही टैक्स लगेगा? कौन सा टैक्स लगेगा? बात खत्म। ओके, तो जैसे समझ लो ये सेल कर रहा है, चलो यहाँ पे लिखो सेल, प्राइस है इसकी 10,000 और जीएसटी अज्यूम करो रेट 18%, तो एक ही टैक्स लगेगा, कौन सा? जीएसटी। और जीएसटी यहाँ पे 1800, जीएसटी कितना? 1800। इसमें थोड़ा क्रेडिट का क्वेश्चन फिलहाल मत पूछना, अभी हम फोकस इस पे कर रहे हैं कि टैक्सेस कौन से लगने वाले हैं, क्रेडिट बाद में, ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को सेल करेगा, समझ लो यहाँ सेल कर रहा है और इसकी प्राइस है 15,000 रुपये, तो यहाँ पे भी कौन सा टैक्स लगेगा? यहाँ पे भी कौन सा टैक्स लगेगा? जीएसटी एट द रेट क्या? 18%, कितना आ रहा है? 2700, ठीक है, एक ही टैक्स लगेगा जीएसटी 2700। नो डाउट इंट्रा होगा तो स्प्लिट होगा, अरे नहीं समझाया, इंट्रा होगा तो स्प्लिट होगा किसमें? सीजीएसटी और एसजीएसटी में, और इंटरस्टेट होगा तो आईजीएसटी, एक ही टैक्स लगेगा। हम आगे देखेंगे पर अभी जस्ट कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अब देखो, मैंने आपको कहा था वन नेशन वन मार्केट। वन मार्केट मतलब क्या? मतलब अब मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर को अलग अलग नहीं देखा जाएगा, अब सारे मार्केट को एक ही देखा जाएगा और सारे केस में एक ही टैक्स लगेगा, कौन सा? जीएसटी। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद में होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है तो सेल प्राइस समझ लो यहाँ पे 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये जीएसटी एट द रेट 18%, 3,600, 23,600।
और आगे रिटेलर अगर होलसेलर को बेच रहा है, आगे रिटेलर अगर होलसेलर को बेच रहा है, सेल प्राइस यहाँ पे 30,000, तो 30,000 पे जीएसटी एट द रेट 18% 5,400 टोटल कर लो आप, हेलो यस बेटा यस सही है आपका आंसर। चलो तो अब ये एग्जांपल से आप क्या सीख रहे हो, मैन्युफैक्चरर हो या होलसेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या रिटेलर हो, अब टैक्स एक ही लगेगा, उसका नाम होगा जीएसटी, उसका नाम होगा जीएसटी। चलिए अब सर्विसेज भी हो, मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको सर्विसेज जय सर प्रोवाइड कर रहे हैं, भवर सर, विनोद सर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सर्विसेज डायरेक्टली आपको जा रही है या वो वी स्मार्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि आपको जो बिल दिया है वो वी स्मार्ट ने दिया है, समझ में आया नहीं है? तो मतलब यहाँ हुआ कि जो सर्विसेज, जैसे फेस टू फेस क्लास हो तो जो सर्विसेज वो इवन तो आपको पढ़ा रहे हैं, पर देयर सर्विसेज टू किसको, वी स्मार्ट, और वी स्मार्ट आगे आपको सर्विसेज दे रहा है, यस और नो? तो मुझे बताओ कि सर्विस सेक्टर पे अब सर्विस टैक्स लगने वाला है या जीएसटी? जीएसटी लगेगा, यहाँ पे भी एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी एट द रेट 18%। समझ लो मुझे फैकल्टी का बिल आता है, ओके वैल्यू लिख लो यहाँ पे, वैल्यू 1,00,000 रुपये, तो उसके ऊपर भी जीएसटी एट द रेट कितना 18%। अब सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ओनली जीएसटी लगेगा एट द रेट 18%, और वो कितना 18,000। मैं आपको टोटल बिल दे रहा हूँ, मैं आपको टोटल सारे स्टूडेंट को मिला के बिल दे रहा हूँ 2,00,000 का, तो 2,00,000 पे कौन सा जीएसटी एट द रेट क्या बेटा 18%, कितना आ रहा है 36,000। नो डाउट मुझे सेटअप मिलते हैं, ITC के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इज इट क्लियर? पर ये पूरे पेज से मुझे बस इतना ही पढ़ाना है कि गुड्स हो या सर्विसेज हो, आपके ऊपर एक ही टैक्स है जिसका नाम है जीएसटी। चलिए ओके, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट को। ये शॉर्ट नोट एग्जाम में आ सकती है, ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। कुछ कंट्री में कुछ कंट्री में नेशनल मॉडल है, मतलब एक ही नाम है जीएसटी, पर इंडिया में बताओ एक ही नाम है या हमने दो नाम लिए हैं? कौन से दो नाम लिए हैं? CGST एंड SGST। तो अब क्या हुआ, दोनों ने क्या डिसाइड किया था, जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो ये ट्रांजेक्शन में दो टैक्स लगेंगे, कौन सा, CGST और SGST। CGST का पैसा सेंट्रल को जाएगा, SGST का पैसा स्टेट को जाएगा, और 50-50। तो एक शॉर्ट नोट दो बार पूछी गई है अभी तक, और वो है ड्यूअल मॉडल ऑफ GST। तो चलो पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ। इंडिया हैज अडॉप्टेड ड्यूअल GST मॉडल इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। हमने ड्यूअल क्यों लिया, क्यों नहीं सिंगल GST लगाया हमने, क्यों सिंगल, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे, उसमें सेंट्रल का भी रेवेन्यू और स्टेट का भी रेवेन्यू। ओके तो यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी GST ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच टेक प्लेस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो दोनों भी एक साथ टैक्स लगाएंगे, CGST एंड SGST। अगर इंटरस्टेट सप्लाई रहा तो टैक्सेबल गुड्स और सर्विस विल बी सब्जेक्ट टू कौन सा बेटा, IGST, एंड इंटरस्टेट सप्लाई सब्जेक्ट टू, इंटरस्टेट सप्लाई सब्जेक्ट टू क्या, CGST और SGST। IGST विल अप्रोक्सीमेटली द सम टोटल ऑफ क्या, CGST और IGST। IGST को इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं, इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो GST रेट होता है, दैट GST रेट इज द सम ऑफ CGST एंड SGST, यानी फुल रेट, यानी फुल रेट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई IGST। ये पॉइंट थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा। जब आपका ट्रांजेक्शन जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वो भी इंटरस्टेट माना जाता है, जिसकी जिस पर क्या लगता है, IGST। इज इट क्लियर, डन? तो ये पॉइंट ड्यूअल मॉडल ऑफ GST। तो अगर बताओ मैं GST ड्यूअल मॉडल में लगाऊँ तो कौन से दो टैक्स लगने वाले हैं, CGST एंड SGST। तो चलो यहाँ लिखो, वैल्यू
अगर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है तो वैल्यू 1 लाख रुपए, और CGST एट द रेट 12% हम रेट ले 6%, और SGST एट द रेट क्या 6%, तो कितना हुआ 6000 यानी 1,12,000 ड्यूअल मॉडल में लगेगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेच रहा है तो अगेन लिखो यहाँ पे वैल्यू, समझ लो 1,50,000, वैल्यू 1,50,000, यस बेटा आपका क्वेश्चन लेता हूँ 2 मिनट, हाँ वैल्यू 1,50,000 और CGST एट द रेट 6% और SGST एट द रेट 6%, 9,000 टोटल कर लो। एक सवाल ऑनलाइन आया है, सर सर्विस में फैकल्टीज कैसे टैक्स ले रही है? फैकल्टी बेटा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि टैक्स इवेंट पे होता है, और इवेंट फैकल्टीज सर्विसेज दे रही है वी स्मार्ट को, तो उन्होंने कौन से इवेंट को टच किया, सर्विसेज, तो उन पर भी GST लगेगा, और वी स्मार्ट आपको सर्विसेज दे रही है तो उनको भी, हमने भी सर्विसेज को टच किया, तो जहां तक हम भी GST, तो इंडिया में मल्टीपल टैक्स सिस्टम है, GST भी मल्टीपल टैक्स सिस्टम है, मतलब हर स्टेज जहां जहां सर्विसेज होगी, जहां जहां गुड्स हो गए, वो टेस्ट पे क्या लगेगा, GST। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए तो यहां पे, और सर्विस सेक्टर में क्या होता है, जैसा गुड्स तो आपको टेंजिबल दिख जाता है, सर्विसेज दिखती नहीं है, सर्विसेज डिसाइड होती है इनवॉइसिंग पे, किसने किसको दिया, कौन डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है उससे कनेक्ट नहीं, जैसे हो सकता है कि यहाँ पे जय सर डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो रहा है, कौन किससे डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है वो सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सर्विस के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है बिलिंग किसके नाम का है, ठीक है। तो यहाँ अगर जय सर बिलिंग मुझे दे रहे हैं तो हु इज द सर्विस प्रोवाइडर, जय सर, हु इज द सर्विस रिसिपियंट, वी स्मार्ट, ये समझ में आया ना, और मैं बिलिंग आपको दे रहा हूँ तो हु इज द सर्विस प्रोवाइडर, वी स्मार्ट, आप कौन हो गए, सर्विस रिसिपियंट, तो ये डिसाइड होता है बिलिंग पे, इज इट क्लियर, ओके। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे। चलो अब आ जाओ आप एक P2 क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नोटबुक में आ जाओ जिसमें आपको सॉल्व करना है। पेज नंबर वगैरह सब क्रॉस टैली कर लो। मिस्टर सुरेश क्वेश्चन देखो, मिस्टर सुरेश ऑफ राजस्थान सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज फॉर ₹20,00,000 टू मिस्टर रमेश ऑफ राजस्थान। सुरेश कौन है बेटा, राजस्थान है ऐसा, सुरेश जो है सप्लायर है, सप्लायर मतलब सेलर, और रमेश कौन है, रिसिपियंट है, रिसिपियंट मतलब बाय, दोनों कहाँ के हैं, मतलब ये इंट्रा है या इंटरस्टेट है, इंट्रा है, इंट्रा है मतलब क्या लगेगा, CGST और SGST, SGST एंड CGST रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 9% ईच, फाइंड द फॉलोइंग, टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सी, हु इज लायबल टू पे GST, जब भी क्वेश्चन हो हु इज लायबल टू पे GST मतलब हु इज लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कौन टैक्स देगा, सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपका ध्यान होगा, और एक चीज पढ़ा बता दूँ आपको, अगर आपको CA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो घर से ज़्यादा क्लास में पढ़ाई हो जानी चाहिए, घर में टाइम नहीं मिलता है। आप क्या, मैं जब से CA कर रहा था या मेरे पहले जब से CA कर रहे थे, हिस्ट्री यही है, घर पे बहुत कम टाइम मिलता है, ये आप आदत लगा लो कि क्लास में होनी चाहिए, और क्लास में होने के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका फोकस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वो आप उसके साथ इन्वॉल्व रहे, आने वाले थॉट्स जितने जल्दी पकड़ के रोक सकते हो रोक लो,
क्योंकि ये 3 घंटे में हजारों थॉट्स आएंगे, माइंड डाइवर्ट होगा, पर वो थॉट्स को अगर पकड़ लिया और फिर से तुमने मेरे साथ कनेक्ट किया तो क्लास में ही पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, आंसर लिखो आपके नोटबुक में, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर बी टू मिस्टर सी, नहीं नहीं सॉरी मेरे से गड़बड़ हो गई, टोटल प्राइस चार्ज बाय, आंसर में भी करेक्ट कर लो, टोटल प्राइस चार्ज बाय सुरेश कर लेना है यहाँ पे, टोटल प्राइस चार्ज बाय सुरेश, तो बाय सुरेश टू किसको बेटा, रमेश, लिखो पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स में वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस 20,000, उसके ऊपर CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9%, कितना हुआ 1800 एंड 1800, तो टोटल प्राइस 23,600। आपका एक सवाल हो सकता है कि सर GST के रेट हमें लर्न करने पड़ेंगे या प्रॉब्लम में दिए जाएंगे, प्रॉब्लम में दिए जाएंगे, आपको लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा, ये तो हमारा पहला हो गया, दूसरा बताओ टैक्स गवर्नमेंट को कौन देगा, सुरेश देगा, एंड बर्डन शिफ्ट करेगा किसको, रमेश को। तो लिखो, इन गिवन केस CGST 1800, इन गिवन केस CGST 1800 एंड SGST 1800 इज पेबल बाय मिस्टर सुरेश ब्रैकेट में सप्लायर, बाय मिस्टर सुरेश ब्रैकेट में सप्लायर ब्रैकेट कंप्लीट टू द गवर्नमेंट एंड ही विल शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स टू मिस्टर क्या, रमेश, टू मिस्टर रमेश। चलिए, तो ये हमने देखा यहाँ पे ये क्वेश्चन, ब्रेक लेते हैं, रिमेनिंग डिस्कशन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक 10 मिनट का है, सभी समझ लेना, ठीक है, आ जाओ बताओ। क्वेश्चन है सर, इफ ट्रेडर कैन सेल द गुड्स विदाउट बिल एंड कैन सेव द टैक्स, देन व्हाई कांट दे डू एंड हाउ गवर्नमेंट नोज दैट द टैक्स इज बीन पेड बाय एवरी पर्सन। जतिन अभी ये डिस्कशन आएगा, आगे ये डिस्कशन आएगा, उसमें आई होप आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नहीं नहीं,
वेल सो स्टार्ट करें, यस और नो? चलिए, IGST, जैसे हमने देखा GST ड्यूअल मॉडल में है, जिसमें कंट्रोल 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 आ जाओ, कंट्रोल में आ जाओ जल्दी, एक लंबी सांस लो, छोड़ो छोड़ो नालायक को छोड़ो, तो आ जाओ यहाँ पे। तो IGST यूनिक फीचर इन इंडिया अंडर GST मॉडल। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये IGST जो है, जो भी कंट्रीज ने GST ये मॉडल इम्प्लीमेंट किया, मोर देन 70 कंट्रीज आर देयर हु इम्प्लीमेंटेड GST मॉडल, मतलब GST स्ट्रक्चर। इंडिया ने भी 2017 में बहुत लेट किया, पर 2017 में GST लाया। लेकिन इंडिया में जो भी ये GST स्ट्रक्चर लाया गया, तो इंडिया एग्जैक्टली कॉपी कभी नहीं करता है लाइक चाइना, कुछ अपना इन्वेंशन करता है। और IGST बिकॉज ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में इंडिया में है, बाकी कोई भी कंट्री में IGST नहीं है जहां GST स्ट्रक्चर है। और इंडिया ने इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत सुटेबल है, वो IGST कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किस तरह से मैनेज किया गया हम आगे देखेंगे। नो डाउट हमारे बेसिक तो वही है, इंट्रा हुआ तो CGST एंड SGST, और इंटर हुआ तो IGST। देखो, नो अदर कंट्री हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ IGST विच फैसिलिटेट द सिमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, अंडरलाइन द वर्ड सिमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर ऑल सप्लाइज फ्लोइंग इन एंड अराउंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। IGST का मेन ऑब्जेक्ट यही था कि क्रेडिट जो है वो क्रेडिट्स प्रॉपर फ्लो हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। समझेगा कुछ नहीं, सिर्फ हाँ बोलते जाओ, हाँ ठीक है सर, क्योंकि इसको समझाओगा थोड़ा बाद में, एक क्रेडिट कंसेप्ट लेने के बाद। इज इट क्लियर? सिर्फ हाँ कहो, हाँ, तो उससे क्या एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो बस भाई इतना हाँ मत बोल, इतना भी क्या पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ पे इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाइज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी सब्जेक्ट टू इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST विल अप्रोक्सीमेटली सम ऑफ टोटल ऑफ CGST एंड SGST। मेन तीन पॉइंट, IGST इज द स्पेशल फीचर्स इन इंडिया। दूसरा, IGST लेवीबल ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, डन। और तीसरा, इट इज अ सम ऑफ CGST एंड SGST। अगर इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स का है, आई रिपीट, किसका? गुड्स का। तो मुझे बताओ पहले कौन सा टैक्स लगता था जब इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स का? पहले CST लगता था, अब IGST लगेगा। ठीक है, तो अब इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो लिखो यहाँ पे क्या लगेगा, IGST, और इंट्रा होगा तो इंटरस्टेट, और इंट्रा होगा, इंट्रा होगा तो CGST, SGST और UTGST। कुछ समझ में आया? SGST और UTGST यहाँ पे, SGST और UTGST। ये UTGST कवर कहाँ लगता है, UTGST कहाँ लगता है? जब इंट्रा ट्रांजेक्शन यूनियन टेरिटरी में हो। ठीक है, तो वहाँ स्टेट तो है ही नहीं, तो लगाइए क्या फिर UTGST। चलिए, पहले जो है सिर्फ गुड्स डिवाइड होता था इंट्रा और इंटर में,
सर्विस टैक्स जो था, सर्विस टैक्स ये सेंट्रल लॉ था, पर 2017 के बाद सर्विस टैक्स को भी डिवाइड करना पड़ेगा इंट्रा एंड इंटरनल, इंट्रा एंड इंटरनल। तो इसलिए सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर महाराष्ट्र से गुजरात जा रही है और विद इन महाराष्ट्र तो सर्विसेज भी होगी तो यहाँ डिवाइड होगी। तो लिखो इंटर स्टेट सर्विस, इंटर स्टेट सर्विस और लगेगा IGST, और इंट्रा स्टेट सर्विस और क्या लगेगा बेटा, CGST, SGST और UTGST। और है बेटा, स्टेट होगा तो एस, यूटी होगी तो UTGST, ठीक है, UTGST डन। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैंने ब्लैंक पेज दिया है, ब्लैंक स्पेस रखी है कुछ, वहाँ एक चार्ट ड्रॉ करना है ITC के डिस्कशन के बाद, और उसके नीचे का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अब एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो बेस है GST का, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम का, वो हम लेने वाले हैं। इसलिए आप आ जाइए ऑन पेज नंबर 21 ही होगा, देख लो, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। ये बीच की कंटेंट मैं बाद में पढ़ाऊंगा, हम आते हैं वैल्यू एडेड टैक्स पे। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ट्रांजेक्शन विदाउट वैट, और एक नीचे लिया है ट्रांजेक्शन विद वैट, ठीक है। अब ये डिस्कशन में मैं वर्ड यूज करूंगा सेट ऑफ, या फिर क्रेडिट, या फिर ITC, तीनों का मतलब एक ही, सेट ऑफ क्रेडिट या ITC, तीनों, ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, तीनों का मतलब एक ही, ठीक है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे जीत लिमिटेड, ये हम रखेंगे, हमारा ये टैक्सेबल पर्सन है, ये माल खरीद रहा है और ये माल बेच रहा है, इज इट क्लियर। शैला लिमिटेड से जीत लिमिटेड ने गुड्स खरीदा, वैल्यू है 1,00,000 रुपए और वैट नहीं है तो मतलब सेल्स टैक्स है, ये समझ में आया ना, और सेल्स टैक्स है एट द रेट समझ लो 10%, यानी कितना 10,000, ठीक है। टोटल परचेस कॉस्ट हुई, लिखते जाओ मेरे साथ, टोटल परचेस कॉस्ट हुई 1,10,000। देन अगेन व्हाट इज द परचेस वैल्यू ऑफ जीत लिमिटेड, व्हाट इज जनरल एंट्री, व्हाट इज द जनरल एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट, कितने से परचेस होगी, 1,10,000 से परचेस हुआ, यस और नो, टू कैश और बैंक, तो परचेस हुआ 1,10,000 से। वैल्यू एडिशन इसमें हुआ, ध्यान सुनना, वैल्यू एडिशन हुआ 50,000 रुपए, वैल्यू एडिशन मतलब परचेस कॉस्ट प्लस एक्सपेंस, सॉरी परचेस कॉस्ट नहीं, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, लिखना हो तो लिख देना, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट इसमें आ गया, वैल्यू एडिशन 50,000। उसकी परचेस कितने की थी, 1,10,000। वो पहला वाला एग्जांपल याद करो, मैन्युफैक्चर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, कुछ याद आया आपको, तो 1,10,000 की परचेसेस थी, इसने अपना वैल्यू एडिशन कितना किया, 50,000 का वैल्यू एडिशन किया। देन आगे वो सेल कितने में करेगा, सेल प्राइस कितने में होगा, 110 प्लस कितना 50, यानी कितना 1,60,000। तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, नहीं नहीं हम तो ट्रांजेक्शन विदाउट वैट ले रहे ना, इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा,
तो ये बताओ सेल्स टैक्स कितना? सेल्स टैक्स एट द रेट 10% ही अज्यूम करो तो कितना? 16,000. यानी कस्टमर को, समझ लो ये कस्टमर अल्टीमेट कंज्यूमर है, तो कस्टमर को कितना पास ऑन हुआ? 1,76,000 की उसकी प्राइस बनी. यस और नो? अब देखिए यहां पे ध्यान से सुनना. अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या ये 10,000 110,000 में इंक्लूडेड था? और क्या उसके ऊपर फिर से टैक्स लगा? क्या मैं कह सकता हूं टैक्स ऑन टैक्स मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट? कैस्केडिंग इफेक्ट, क्या कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है? यस और नो? और दूसरी बात, यहां पे एक चीज और हो रही है. ये 1,00,000 पे जो गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स कलेक्ट कर चुकी है वही 1,00,000 1,60,000 में है, उस पर फिर से टैक्स लगाया जा रहा है. मतलब अमाउंट जो है दो बार टैक्स हो रही है. यस और नो? तो ये जो था इसको कहा जाता था कैस्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्सेशन. इंडस्ट्री का बार बार ये कहना था कि आप हमारे से डबल टैक्सेशन ना लो और एक ही अमाउंट पे बार बार टैक्स ना लो. पहला वाला एग्जांपल अगर आपको याद होगा जो मैंने दूसरे सेकंड पेज या थर्ड पेज पे लिया था, ये तो मैं दो ही चेन ले रहा हूं, वो तो मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर, कस्टमर तक जा रहा था. तो 2004 में जीएसटी तो 17 में आया, 2004 में सारे स्टेट गवर्नमेंट ने एक बड़ी स्टेप ली. सारे स्टेट गवर्नमेंट मान गए कि ठीक है, अब हम सेल्स टैक्स के जगह हम टैक्स जो लगाएंगे ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, ओनली ऑन वैल्यू एडिशन. समझ में आई क्या बात? अब वैल्यू एडिशन का मतलब क्या? तो अब मैं लेता हूं ट्रांजेक्शन विथ वैट, ट्रांजेक्शन विथ वैट मतलब एक एग्जाम्पल सेम, वैल्यू सेम रखता हूं. जैसे वैल्यू जो है, कितनी वैल्यू ली थी ऊपर मैंने? 1,00,000. और अब सेल्स टैक्स नाम नहीं रखूंगा, क्या नाम रखता? वैट, वैट एट द रेट 10%, तो कितना? 10,000. यस और नो? 10,000, तो टोटल कितना हुआ? 1,10,000. अब देखो वैल्यू एडिशन भी सेम रहेगा, यहां पे वैल्यू एडिशन और ये वैल्यू एडिशन कितना? 50,000. लेकिन अब जो यहां पे जनरल एंट्री होगी, आपने जो परचेसेस, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने जो परचेसेस पे टैक्स दिया इसका आपको सेट ऑफ मिलेगा. इट्स नॉट बिकम अ कॉस्ट. एक बार फिर से बोलो मेरे सर, इट्स नॉट बिकम अ कॉस्ट. इसका आपको क्या देगा गवर्नमेंट? सेट ऑफ देगा, जिसको कहा जाता है जो आपने इनपुट खरीदा, आई रिपीट, जो आपने इनपुट खरीदा उस पर जो टैक्स लगा उसका क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट. नहीं समझा? समझ में? तो जो आपने इनपुट खरीदा उसके ऊपर क्या लगा आपको? टैक्स. उसका क्रेडिट, उसका सेट ऑफ आपको मिलेगा आपके आउटपुट टैक्स है. सब सवाल बाद में, सर क्यों सेट ऑफ, किस लिए? गवर्नमेंट तो नुकसान कर रही है अपना. देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, पूरे लॉजिक के साथ देखेंगे. क्लियर? तो अब यहां पे देखो, तो यहां जर्नल एंट्री क्या होगी? जीत लिमिटेड के लिए लिखो, यहां पे जर्नल एंट्री लिखेंगे जीत लिमिटेड, जर्नल एंट्री, जीत लिमिटेड की जर्नल एंट्री. ये बीच में थोड़ा स्पेस रखना, मुझे लगेगा ये स्पेस. हाँ, जीत लिमिटेड की इसमें जर्नल एंट्री, बताओ क्या करेंगे? लिखो लिखो, परचेस अकाउंट डेबिट जीत लिमिटेड के लिए. हाँ, परचेस अकाउंट डेबिट वैट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट. आई रिपीट द वर्ड, क्या? वैट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. परचेस कितने से डेबिट करोगे? 1,00,000 से. परचेस अकाउंट डेबिट 1,00,000, वैट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000. दोनों डेबिट होगा. और मुझे बताओ रिसीवेबल के बैलेंस क्रेडिट होते हैं कि डेबिट होते हैं? इसलिए वो डेबिट हुआ वैट क्रेडिट. अरे है ना, नाम है वैट क्रेडिट, नाम है वैट क्रेडिट. रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश,
कितना जाएगा टू बैंक और कैश? 1,10,000. कम ऑन, एक बार फिर से एंट्री समझ में आई? परचेस अकाउंट डेबिट 1,00,000, वैट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश और बैंक. जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? सभी जवाब दे जो कनेक्टेड है. ठीक है, तो अब यहां तक देखा जाए, यहां पे परचेस हुआ. अब हमने परचेस 1,00,000 से ही डेबिट किया है, तो परचेस प्लस वैल्यू एडिशन, मुझे बताओ कितनी सेल्स वैल्यू आएगी? 1,00,000. तो लिखो सेल प्राइस. सेल प्राइस 1,00,000 क्या? 60,000. 1,60,000. डन. अब सॉरी, 1,60,000 नहीं, 1,50,000. ठीक है, 1,50,000. इसका मतलब जो पहले मैं 10,000 टैक्स लेता था, यहां पे 160 क्यों आ था? 160 क्यों आ था? क्यों आ था 160? क्योंकि टैक्स भी इंक्लूडेड था. अब मैं टैक्स नहीं लूंगा, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो रहे है ना, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो रहे. अब मैं टैक्स नहीं लूंगा. अब 1,00,000 प्लस 50,000 कितना हुआ? 1,50,000. इज इट क्लियर? इसके ऊपर वैट निकालो. वैट एट द रेट 10%, 15,000. ठीक है, अब देखो ये हुआ आपका आउटपुट और ये हुआ आपका इनपुट. इज इट क्लियर? तो आउटपुट टैक्स और ये हुआ आपका इनपुट टैक्स. इसकी जर्नल एंट्री करो. जीत लिमिटेड, इसकी जर्नल एंट्री करो. क्या आएगी जर्नल एंट्री? सेल्स की करो फटाफट. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 1,65,000. 1,65,000 आपको इतना पैसा आया. इतना पैसा आया टू सेल्स. टू सेल्स कितना? 1,50,000. टू सेल्स कितना? 1,50,000. टू वैट पेएबल. अरे भाई, टू वैट पेएबल कितना आएगा? 15,000. क्लियर? तो आपके दो लेजर बनेंगे, एक वैट रिसीवेबल, एक वैट पेएबल. यस बेटा. नहीं बेटा, यहां पे 160 नहीं जाएगा, 1,50,000 ही आएगा, क्योंकि आपको परचेस का जो 10,000 है वो आपकी कॉस्ट नहीं है. परचेस का 10,000 भागवत वो कॉस्ट नहीं है, वो आपका अब क्रेडिट है. वो क्रेडिट है. इज इट क्लियर? चलो, हाँ, आपका सवाल होगा कि क्रेडिट दिया ही क्यों, तो वो बाद में देखेंगे. ठीक है, चलो, 1,65,000 हुआ आपका. अब गवर्नमेंट क्या कहती है मुझे ये बताओ. सबसे पहला स्टेप ये वैट मैकेनिज्म में, क्या गवर्नमेंट ने कैस्केडिंग इफेक्ट निकाल दिया? जो 10,000 पे वापस टैक्स लग रहा था, क्योंकि अगर हम 10,000 रुपए ये प्राइस में ले रहे तो फिर तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया. इसलिए हमारी परचेस कॉस्ट 1,00,000 ही रहेगी, उस पर लगने वाला टैक्स कॉस्ट में एड नहीं होगा, वो क्रेडिट में चले जाएगा. इज इट क्लियर? और 1,00,000 प्लस 50,000, तो 1,50,000 उस पर टैक्स. तो टैक्स टाइम टैक्स वाला तो कंसेप्ट गया. अब गवर्नमेंट क्या कहती है? आप ये जो जीत लिमिटेड गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? ये नो डाउट ये गवर्नमेंट को पे करेगा. कितना पे करेगा? तो वो गवर्नमेंट कहती है कि ये पे करेगा, ऐसे नीचे सेंटर में बॉक्स में लिखो, नेट जीएसटी लायबिलिटी, सॉरी नेट वैट लायबिलिटी. नेट वैट लायबिलिटी, नेट वैट लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स बताओ कितना है मेरा आउटपुट टैक्स? 15,000. आउटपुट टैक्स 15,000. आउटपुट टैक्स क्या है? 15,000 लेस. लेस मतलब इसको मिलेगा सेट ऑफ, इसको मिलेगा आईटीसी. अरे है ना, इसको मिलेगा सेट ऑफ, इसको मिलेगा आईटीसी. ओके, लेस आईटीसी लिखो. लेस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट. कितना है इसके पास क्रेडिट?
10,000 यानी नेट वैट पेबल कितना है बेटा? तो ये गवर्नमेंट को 15,000 देगा या 5,000 ही देगा? तो वैट पेमेंट और कितना वैट पेमेंट आया? 5,000। ये गवर्नमेंट को 5,000 ही देगा। यहां तक क्लियर? अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट ध्यान सुनना। इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, जो स्टेटमेंट बनाया ना हमने, जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री कैसी होगी? स्पेस होगी तो साइड में लिख दो इसकी जर्नल एंट्री। ओके, एक मिनट। जर्नल एंट्री होगी वैट पेएबल अकाउंट डेबिट, वैट पेएबल अकाउंट डेबिट। देखो पहले क्रेडिट हुआ था, उसको आप डेबिट करेंगे, यस और नो? लिखो वैट पेएबल अकाउंट डेबिट, कितना आएगा वैट पेएबल अकाउंट डेबिट? हाँ, 15,000। इज इट क्लियर? तो 15,000। अब ये 15,000 पे करने के लिए मेरे पास 10,000 का बैलेंस है, वो कौन से लेजर में पड़ा है? 10,000 का बैलेंस, 10,000 का बैलेंस कौन से लेजर में पड़ा? वैट रिसीवेबल। ओके, टू वैट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, समझ में आया क्या? टू वैट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट कितना? 10,000। और बाकी बचावा मैं किस में दे रहा हूं? बैंक और कैश। टू बैंक और कैश 5,000, टू बैंक और कैश क्या 5,000। एंट्री समझ में आएगी आपको? तो देखो लेजर मैच हो गए, वैट पेएबल डेबिट क्रेडिट हो गया, रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट हो गया, और नेट हम किसको दे रहे हैं? तो जर्नल एंट्री ऐसी होती है और स्टेटमेंट ऐसा बनता है, जर्नल एंट्री ऐसी होती है और स्टेटमेंट ऐसा बनता है। तो बेटा मुझे ये बताओ, जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड स्टूडेंट है, ये समझा या नहीं समझा? अगर समझा होगा तो एस टाइप करो फटाफट, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है एस तो समझा, समझा गया एस। तो यहां पे नाउ, अब इससे क्या होगा देखते हैं। पहले केस में कैस्केड, अब ये इन्होंने क्या किया सर, ये क्रेडिट क्यों दिया? एक हमारा सवाल भी था, ये सवाल था कि ये 1,60,000 में वो 1,00,000 इंक्लूडेड था, जिसके ऊपर ऑलरेडी 10,000 टैक्स दे चुके थे, और उसी 1,00,000 पे डबल टैक्स लग रहा था। अरे आया ना, उसी 1,00,000 पे डबल टैक्स लग रहा था। तो सेम चीज इसमें भी है, 1,50,000 में 1,00,000 इंक्लूडेड है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि 1,50,000 पे टैक्स निकाल, और जो 1,00,000 पे ऑलरेडी टैक्स दिया है उसका डिडक्शन ले ले। आया ना, उसका डिडक्शन ले ले। तो तू हमको नेट ही दे, नेट ही दे। इज इट क्लियर? अब मैंने ये पूरी घुमाने वाली मेथड बताई, पहले सेल्स निकालो, उसका टैक्स निकालो, फिर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, और वो क्या? सर सुनो सुनो सुनो, हमारा रेट क्या चल रहा है वैट का? 10%। तो सर डायरेक्ट 50,000 का 10% लेते तो भी 5,000 ही आता। तो सर इतना घुमा के क्यों? जीत लिमिटेड डायरेक्ट 50,000 का 10%। आई होप समझा होगा, वो आएगा उतना ही, नाम ही है वैल्यू एडेड टैक्स। दोस्तों ये मेथड इंडिया में यूज नहीं की गई। रीजन क्या है? अगर डायरेक्ट 50,000 का तुमको 10% निकालना है, मतलब तुमको कॉस्टिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। हर बंदे की कॉस्टिंग अलग अलग, कितनी कॉस्ट लगी, इनवॉइस डाइल्यूट हो जाएगा, कस्टमर को टैक्स का पता नहीं चलेगा, समझाएं ना समझा, और बर्डन पास ऑन होने में दिक्कत जाएगी। इतने प्रॉब्लम्स है डायरेक्ट का, इसलिए ये मेथड इंडिया में लिया, इनवॉइस मेथड। आई रिपीट द वर्ड, क्या? इनवॉइस। गवर्नमेंट कहती आएगा 5 ही, पर हमें इनवॉइसेस चाहिए हर जगह पे, और कस्टमर को पता होना चाहिए टैक्स कितना लग रहा है। आई रिपीट, कस्टमर को इनवॉइस में पता होना चाहिए टैक्स। तुमने डायरेक्ट 50,000 का दिया तो कस्टमर को मालूम ही नहीं, क्योंकि कस्टमर इतना कंफ्यूज कि तुम वैल्यू लगा रहे 1,50,000 और टैक्स लगा रहे 50,000 पे। अरे आया ना, वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरी। आई होप यू अंडरस्टूड। इसलिए हमने देना तो आपको 5 ही है,
पर ऐसा है कि पहले इनवॉइस बनाओ, इनवॉइस में टैक्स लिखो, अरे आया ना, इनवॉइस में टैक्स लिखो, बिलिंग करो, और बिलिंग करने के बाद ओके जो आपने इनपुट इनवॉइस पे टैक्स दिया उसका सेट ऑफ लो, आएगा 5,000। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इनवॉइस मैकेनिज्म इंडिया में बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ओके रिकॉर्ड मेंटेन करना पॉसिबल होगा, ऑडिट भी इजीली पॉसिबल होगा, ओके ये सारे फायदे हैं। इसलिए ये इनवॉइस मेथड इंडिया में यूज किया गया। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है सर, एक सवाल ये, यहां गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो था, ये बंदे से गवर्नमेंट को कितने मिल रहे थे? 10,000। और इससे जीत से कितने मिल रहे थे? 16,000। टोटल कितने मिल रहे थे? टोटल कितने मिल रहे थे? 26,000। आई होप यू अंडरस्टूड। गवर्नमेंट को 26,000 का रेवेन्यू था, 26,000 का रेवेन्यू था। यहां गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है? 10 इससे मिला शैला लिमिटेड से, अरे है ना, 10 इससे मिला और 5 इससे मिला, मतलब गवर्नमेंट को कितना मिला? 15,000। तो सर यहां तो रेवेन्यू 15,000 ही मिला उधर, यानी सर वैट आने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया। अगर एग्जांपल देखोगे तो हाँ, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन देखोगे तो ना। रियल में देखा जाए तो ना। सर कैसे? सीधा सीधा आपने प्रूव कर दिया थ्योरी से कि ऊपर 26,000 है और यहां पे 15,000। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा हेवी डिस्कशन भी होगा, लेकिन आज जो समझ के जाओगे ना बॉस, दिमाग में फिट करके जाओगे। ये समझ में आया? देखो पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, और मेरे को पता है लोग GST ये पढ़ाते हैं, हाँ इसका सेट ऑफ मिलेगा बच्चों, हाँ बोलो, हाँ चलो आगे। समझ में आया क्या? हाँ बोल दिया आपने भी, क्या खत्म करो यार, हाँ ठीक है, और जल्दी क्लास खत्म करो, बाहर निकलना है। नहीं, हर लॉजिक समझो, मैं कहूँ रूह तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, कोर्स खत्म करने को टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ओवरऑल रेवेन्यू कम नहीं हुआ, हाँ पर ट्रांजेक्शन कम हुआ, पर गवर्नमेंट का ओवरऑल रेवेन्यू कम नहीं हुआ, वैट आने की वजह से, क्रेडिट देने की वजह से। गवर्नमेंट ने क्रेडिट दिए, गवर्नमेंट ने कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म किए, गवर्नमेंट ने परचेस पे जो टैक्स दिया उसका क्रेडिट दिया गवर्नमेंट ने। ये बात समझ रहे हो क्या? गवर्नमेंट ने क्रेडिट दिया और गवर्नमेंट अब कह रही है कि हमें 26,000 नहीं चाहिए, हमें 10+5 15 नहीं चाहिए, 11,000 का रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कम किया। पर इसके गवर्नमेंट का फायदा ही हुआ 2004 में, और 2004 में जब फायदा हुआ वैट में तो ही GST के बारे में सोचा गया। सर कैसे बताता? अब देखो यहां पे मैं ये ट्रांजेक्शन जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वो पेज नंबर 2 या 3 पे आओ। और पेंसिल यूज करना अगर आपको लिखना होगा तो, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिखना होगा तो ये ट्रांजेक्शन मुझे ये बताइए फटाफट, ये ट्रांजेक्शन में कहीं पे मैंने सेट ऑफ दिया था? टैक्स ऑन टैक्स चल रहा था, अल्टीमेट कस्टमर तक चल रहा था, यस और नो? अब ये ट्रांजेक्शन सेट ऑफ में लेता हूं, पहला सेल ये लेते हैं। अब देखो कोई पूछेगा सर मैन्युफैक्चरर के भी तो इनपुट हो गए, इतना पीछे मत जाओ, फिर उसके भी इनपुट हो गए, उसके भी हो गए, कहां तक लू? अरे समझाया नहीं समझा, अज्यूम करते पहला से लिए, इज इट क्लियर? अब समझ लो ये सेल्स टैक्स की जगह क्या वैट, वैट है। तो मुझे ये बताओ, मैं यहां पे आपसे पूछना चाहूंगा, आगे वैल्यू एडिशन कितना? 5,000 क्रेडिट मिलने वाला है आपको, क्या क्रेडिट मिलने वाला है? तो बताओ इसकी सेल प्राइस क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटर की सेल प्राइस क्या होगी? 10,000+5,000 यानी कितनी होगी? 15,000। वैट कितना आएगा? वैट कितना आएगा एट द रेट 10%? 1,500 रुपये, अरे है ना। अगर वैट 1,500 आ रहा है तो उसका इनपुट टैक्स कितना है? 1,000। आउटपुट टैक्स कितना है? 1,500। तो आउटपुट टैक्स 1,500 माइनस इनपुट टैक्स क्या? 1,000, यानी नेट गवर्नमेंट को ये कितना देगा? 500।
ये गवर्नमेंट को 500 ही देगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये ट्रांजेक्शन ले रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट को 500 देगा यहाँ पे और बर्डन पास ऑन कर देगा। तो अब इसका ये रेट पे ध्यान रखना आपने, ब्लैक पे नहीं। ओके, तो इसकी प्राइस कितनी होगी? 16,500। अब बताओ होलसेलर के लिए परचेस कॉस्ट कितनी है? होलसेलर के लिए परचेस कॉस्ट कितनी रहेगी? 15,000। क्योंकि होलसेलर एंट्री कैसे पास करेगा? परचेस अकाउंट डेबिट 15,000, वैट रिसीवेबल, वैट रिसीवेबल 1500। ये ट्रांजेक्शन विद वैट ले रहे दोस्तों, हाँ, ये ट्रांजेक्शन विद वैट ले रहे। तो वैट रिसीवेबल 1500। ओके, तो अब उसकी परचेस 15,000 हुई, उसका वैल्यू एडिशन कितना है? 7,000। तो 15 + 7 यानी कितना? हाँ, 22,000। 22,000 पे क्या लगेगा? वैट एट द रेट 10%, 2,200। और इसका आउटपुट टैक्स कितना हुआ? 2,200 रुपये। और इनपुट टैक्स कितना हुआ? 1,500 रुपये। तो ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 700। बेटा हम रेट क्या लेके चल रहे हैं? 10%। हाँ, ये गवर्नमेंट को 700। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये रेट मतलब हम विथ वैट ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे बताओ रिटेलर के लिए क्या प्राइस रहेगी? ये रेड वाला देखना, रिटेलर के लिए क्या प्राइस रहेगी? 22,000। यस नो? उसका वैल्यू एडिशन 10,000। मतलब ये सेल प्राइस कितना लगाएगा? 32,000। उसके ऊपर वैट एट द रेट 10%, 3,200। इसका आउटपुट टैक्स 3,200, इनपुट टैक्स 2,200, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स 3,200 और इनपुट टैक्स 2,200, नेट कितना? 1,000 गवर्नमेंट को पे करेगा रिटेलर। यस और नो? अब ध्यान से सुनना, बताओ डिस्ट्रीब्यूटर का वैल्यूएशन कितना था? नेट कितना पे किया? व्हाट इज द 10% ऑफ 5,000? यस और नो? होलसेलर का वैल्यूएशन कितना था? 7,000। कितना पे किया नेट? नेट कितना पे किया? 700। यस और नो? और रिटेलर का वैल्यूएशन कितना था? नेट कितना पे किया? मतलब आप टैक्स वैल्यू एडिशन पे ही पे कर रहे हो। ये मैकेनिज्म है। अब वो कैलकुलेटर लो, लो कैलकुलेटर, कम ऑन, लो कैलकुलेटर। सभी लोग कैलकुलेटर लीजिए। बेटा ये जो रेड वाले में मैं लिख रहा हूँ सबको समझ में आया? जो ऑनलाइन कनेक्टेड है प्लीज बताइए। गवर्नमेंट नहीं चेक करती है बेटा, ये तो सेल्फ असेसमेंट सिस्टम है। मैं आगे बताऊंगा, सेल्फ असेसमेंट सिस्टम है। और देखो आज अगर आपको 60% भी समझ में आ गया तो कल मैं उसको 110% कर दूंगा। ऑनलाइन एज वेल एज फेस टू फेस जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है टोटली कन्विंस हो जाएगी ये सिस्टम से। यस और नो? ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताओ अगर वैट नहीं मिलता था यानी ब्लैक वाला, तो गवर्नमेंट को कस्टमर तक पहुंचने तक कितना रेवेन्यू कलेक्शन था? लो लो, कितना रेवेन्यू कलेक्शन था जब तक गुड्स कस्टमर तक नहीं पहुंचता है? 1,000। लिखो 1,000 प्लस 1,600 प्लस 2,460, ब्लैक वाला 2,460 प्लस 3,706, टोटल रेवेन्यू कितना था? 8,700। ये गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू था 8,766। यस और नो? डन। अगर वैट मैकेनिज्म आ जाए और आपको अभी देखो मेरे को ये तो है कि ये बच्चा भी समझ गया कि इनपुट टैक्स का सेटअप मिलेगा। तुमको क्या नहीं आ रहा है? तुम कन्विंस नहीं हो रहे क्यों सेटअप देना? अरे है ना, कन्विंस नहीं हो रहे क्यों सेटअप देना? वो कन्विंस कर रहा हो। इसलिए आपके सवाल ये मत पूछो कि सर समझ में नहीं आया, ये तो बच्चा भी बता देगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है। क्यों के लिए ही मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। इज इट क्लियर? अब जहां तक देखा जाए यहां पे वैट सिस्टम आ गया 2004 में,
तो बताओ गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना, पहले वाले से 1000, समझो उसके क्रेडिट नहीं है, उसके क्रेडिट नहीं है, तो पहले वाले से 1000, यस और नो? दूसरे वाले से नेट 500, यस और नो? तीसरे वाले से नेट 700, तीसरे वाले से 700, यस और नो? और चौथे वाले से कितना रेवेन्यू? 3200 हुआ। बाप रे, बहुत रेवेन्यू कम हो गया गवर्नमेंट का, तो पूरी चेन में गवर्नमेंट का रेवेन्यू, सर इसमें तो गवर्नमेंट लॉस में चली जाएगी, गवर्नमेंट ने सेट ऑफ नहीं देना चाहिए सर, सेट ऑफ दिया तो लॉस में चले जाएगी। अब आपको बताता हूँ, जब इतना टैक्स का बर्डन होता है तो फिर पब्लिक भी अपने हिसाब से चलती है, पब्लिक फिर इतना टैक्स इवेजन था ना 2004 के पहले सेल्स टैक्स में, मैंने देखा हर शॉप पे दो काउंटर होते थे विद बिल विदाउट बिल, समझ में आया क्या? अभी है पर उतना नहीं है, अभी तो लोग बहुत डरते हैं, वो भी सिर्फ कस्टमर लेवल, वो भी क्यों है मैं बताऊंगा, पर पहले तो इतना टैक्स इवेजन था कि लोगों को पता था अगर इतना डबल टैक्सेशन में 10,000 का गुड्स टैक्स लगा के इतनी प्राइस बढ़ रहा है तो लोग पूरी चेन मैनेज कर देते ब्लैक मार्केटिंग की। आई रिपीट द वर्ड, क्या? ब्लैक मार्केट, स्टार्ट से ब्लैक के गुड्स खरीदते थे और पूरा विदाउट बिल चलता था पूरे स्टेज पे, और इतना 8,766 रुपीज, इसमें से उन्होंने यहाँ पे ये पूरा सेव कर लिया बॉस, तो बड़ा अमाउंट था, यस और नो? ये सर्वे आया था, वैट के बारे में क्यों सोचा गया बता दो, ये सर्वे था कि इंडिया में जो लोकल मार्केट में गुड्स मिल रहे हैं उसका सिर्फ 30% गुड लीगलाइज हो रहे हैं और 70% गुड्स ब्लैक मार्केटिंग में चल रहे हैं। सर फिर गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं किया, इन लोगों पे पेनल्टीज नहीं लगाई जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, टैक्स बचा रहे थे, विदाउट बिल चल रहे थे, गवर्नमेंट पकड़ेंगे तब जब गवर्नमेंट के ऑफिसर उसमें ना इन्वॉल्व हो। मेरी बात समझे क्या? गवर्नमेंट को समझ गया था कुछ भी कर ले बॉस, जब हमारे ऑफिसर इन्वॉल्व है तो कंट्रोल कैसे करे, समझ रहे हो ना? 8,700 में से 500 रुपए ऑफिसर को भी दे दिए, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बहुत बचा लिया हमने, पूरी चेन ब्लैक मार्केटिंग में बचा ली। तो ऐसे केस में जब यह पता चला था कि यार 70% ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है, गड़बड़ है सर, फिर वैट आने के बाद फायदा कैसे हुआ? अब बताता हूं, फायदा यह हुआ कि यहां पे पहले डिस्ट्रीब्यूटर को देने पड़ रहे थे 1600 रुपए, अब डिस्ट्रीब्यूटर को देने पड़ रहे 500 रुपए। अरे हरी, पहले होलसेलर को देने पड़ रहे थे 2460 रुपए, अब देने पड़ रहे 700 रुपए, रिटेलर को देने पड़ रहे थे कितने, 3706 रुपया, अब देना पड़ रहा है 1000 क्रेडिट आने के बाद। तो अब क्या हो रहा है, पहले बड़ा अमाउंट था तो इवेजन में मजा आता था, चोरी में मजा आता था, रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं समझा भाई, रिस्क ले रहे तो रिवॉर्ड भी है, समझ में है? लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटर की मेंटेलिटी बदल गई, 500 रुपए के लिए रिस्क क्यों लू, समझा नहीं समझा, 500 रुपए के लिए रिस्क क्यों लू? वो बोले नहीं भाई मैं बिल में दूंगा। अब होलसेलर उसके पास गया, सर विदाउट बिल दे दो ना, मैं बिल में दूंगा, और वो बिल बनाएगा तो ही उसको क्रेडिट मिलेगा, अगर उसने बिल नहीं बनाया तो क्रेडिट मिलेगा नहीं। प्लीज प्लीज बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? डिस्ट्रीब्यूटर आगे बिलिंग करेगा तो ही उसे क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो उसका क्रेडिट तो गया, स्टॉक मैच होगा पूरा। तो वो कह नहीं भाई मैं 500 रुपए देना चाहूंगा, होलसेलर कह रहा सर विदाउट बिल दे दो ना प्लीज, ब्लैक मार्केटिंग मिल्क, मैं 500 के लिए इतनी बड़ी रिस्क, कल जाके पता चल गया ऑफिसर आ गए रेड करने, मेरी शॉप बंद कर दी, सब बंद करके पेनल्टी लगा दी, हेवी पेनल्टी लगा दी, अरेस्ट कर दिया। देखो फ्रॉड करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है, पकड़े जाना पाप है, समझ में आया क्या? क्योंकि तुम पकड़े गए तो पूरी बारात आती है, फिर बारात में दूल्हा होता है टैक्स,
नहीं नहीं दुल्हन नहीं है, बारात जा रही है अभी। ओके, बारात में दूल्हा होता है टैक्स, और बारात ही होते हैं पेनल्टी, इंटरेस्ट, फाइन, अरेस्ट, इंप्रिजनमेंट। पकड़े गए तो छोड़ेगी नहीं। हाँ बेटा, लोग मेरे को कहते कि सर गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा। गवर्नमेंट कहती है, देख सुनना, मुझे क्वेश्चन भी याद है ऑनलाइन, गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा। गवर्नमेंट कहती है इंडिया में सेल्फ असेसमेंट है, तुम जो भी बताओगे हम विश्वास कर लेंगे कि यही है। पर जिस दिन पकड़े गए तो जितना टैक्स था उसका 100% पेनल्टी लगाएंगे, उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, तेरा गुड्स को जब्त कर लेंगे, कॉन्फिस्केशन, शॉप बंद कर देंगे और अरेस्ट भी कर लेंगे। मतलब टैक्स भी कियो, पेनल्टी भी कियो, इंटरेस्ट भी कियो, गुड्स भी कियो और मैं भी कियो। अरे समझ में आया क्या? इसलिए ये सवाल जब भी आप पूछो ना कि गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा, उसके पहले समझना कि पहले हमारी जिम्मेदारी है बताना। सेल्फ असेसमेंट सिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट सेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया व्हेनेवर पेइंग द टैक्स डू देयर सेल्फ असेसमेंट ऑनेस्टली, वी विल बिलीव इन योर सेल्फ असेसमेंट। समझ में आया क्या? बट तुमने हमारे साथ धोखा किया, तू तो गियो। ये समझ में आया? इसलिए फ्रॉड करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। समझ में आया क्या? जैसे तुम आरटीओ है, नो एंट्री से जा रहे हो, पकड़े गए तो बेटा लाइसेंस बता, पीयूसी बता, फिर पूरा सब निकलता है। ये समझ में आया क्या? और जब तक पकड़े ही नहीं गए और नो एंट्री से निकल गए, वो रिलैक्सेशन तो बहुत अच्छा, अरे बाप रे मजा आ गया। लेकिन पकड़े गए तो तू तो सर ये पकड़ते कैसे? ठीक है, तो सर ये पकड़ते कैसे? तो यहां पे स्क्रूटिनी, रेड, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन। अब सर ये होता कैसे? धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट आएंगे तो मैं अपने प्रैक्टिकल केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे पकड़ा उन्होंने जीएसटी की चोरी, कैसे कंप्लायंस में गड़बड़ की, कैसे ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स मांगे, कैसे उस चीज को पकड़ा, आगे हम डिटेल में देखेंगे। यस और नो? चलो, तो क्या हुआ? वैट से लोगों की मेंटेलिटी बदल गई। डिस्ट्रीब्यूटर बोला मैं बिल्डिंग दूंगा, मैं 500 रुपए के लिए रिस्क नहीं लूंगा, आया ना? तो वो अगर बिल दे रहा है तो होलसेलर की परचेस लीगल हो रही है। अगर होलसेलर की परचेस लीगल हो रही है तो इसको भी तो स्टॉक मैच करना है, तो ये भी लीगल बिल देगा, क्योंकि ये बोलेगा मुझे भी क्रेडिट लेना है, मुझे भी कल स्क्रूटिनी में स्टॉक मैच करके देना है, तो मैं भी बिल दूंगा। रिटेलर उसको बोल रहा है नहीं ना सर प्लीज, मैं भी बिल दे रहा हूं और मैं भी क्यों रिस्क लूं 700 रुपए के लिए। अब रिटेलर को अगर बिल आ रहा है तो वो भी बोल रहा है कि मेरे पास भी ऑप्शन नहीं और मुझे भी ये किया जा रहा है। अब तो पूरी ट्रांसपेरेंसी ट्रांजेक्शन में बढ़ गई। वैट इंक्रीजेस द ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रांजेक्शन। तो जो 70% ब्लैक मार्केटिंग थी और 30% से भी लीगल था, वो उल्टा हो गया, 90% लीगल हो गया और 10% ब्लैक मार्केटिंग रहेगी, वो भी कहां रहेगी मैं बताऊंगा। अरे समझा है नहीं समझा? तो गवर्नमेंट का खेल देखो, गवर्नमेंट ने ट्रांजेक्शन वाइज अपना रेवेन्यू कम किया, पर ये जो ब्लैक मार्केटिंग वाले ट्रांजेक्शन थे सबको पिक्चर में लाया और गवर्नमेंट का ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ गया। नहीं समझा? मेरे वर्ड को कैच करना, गवर्नमेंट का ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ गया, ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ गया गवर्नमेंट का, क्योंकि 70% ब्लैक मार्केटिंग वाइड हो गई। आई होप यू अंडरस्टूड। सेकंड, प्रोडक्ट की प्राइस 40,000 जा रही थी बॉस, और अब प्रोडक्ट की प्राइस 32,000 प्लस 3,200 यानी 35,200 जा रही है। अरे मेरी बात समझे क्या? अगर 35,200 गोल्ड की प्राइस जा रही है तो वेदर रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, यस,
अगर प्राइजेस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो सेल्स बढ़ता है, और सेल्स बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये तो मेजर बेनिफिट बता रहा हूं वैट के, छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। तो और जितना सेल बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, उतना प्रोडक्शन होगा, उतना प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो डिमांड और बढ़ेगी, और जितनी डिमांड बढ़ेगी सेल और बढ़ेगा। 2004 में जब वैट लाया तो डर तो था कि यार रेवेन्यू हमने बहुत कम कर दिया, पर दो साल बाद जब सारे स्टेट के रिकॉर्ड देखे गए तो सबको भर भर के पैसा मिला, ओवरऑल भर भर के। ये क्यों? क्योंकि ट्रांस ब्लैक मार्केटिंग बहुत सी कम हो गई, दूसरा प्राइजेस कम हुई। ये तो मैंने 10% का रेट लिया, अगर मैं 28 लूँ तो 18 लो तो और कम होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑनलाइन जो स्टूडेंट है समझ में आया होगा, अंडर बिलिंग होती है बेटा, पर अभी कहाँ होती है मैं बताऊंगा। एकदम देखो ओवरऑल कंसेप्ट को समझ लो, मेरे वर्ड्स को एकदम कट टू कट मत कट यहाँ पे पकड़ लो। अंडर कटिंग कहाँ होती है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? अभी भी होती है, इसलिए तो मैंने आपको 100% ट्रांसपेरेंट नहीं बोला, मैंने बोला 90% ट्रांसपेरेंसी आई और 10% आज भी अंडर कटिंग है, 10% आज भी ब्लैक मार्केटिंग है। कहाँ है मैं बताऊंगा। इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए, आई होप आपको वैट का कंसेप्ट समझ में आया। इससे आप कन्विंस हो गए कि सेट ऑफ देने से फायदा ही हुआ, हाँ या ना? तो एक बार फिर से जर्नल एंट्री के साथ फिर से वो ट्रांजेक्शन देख लेते, अगर किसी का छूट गया होगा तो वापस आ जाते। हाँ ये बताओ, अगर आप परचेस करोगे, आई रिपीट, अगर आप तो क्या जर्नल एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट, वैट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। वैट रिसीवेबल मतलब आपका सेट ऑफ, इज इट क्लियर? सेल करोगे तो कैश और बैंक टू सेल्स टू वैट पेएबल, और वैट पेएबल माइनस वैट रिसीवेबल, नेट जीएसटी अमाउंट पेएबल, इज इट क्लियर? अब दिमाग में फिट कर लो कि सेट ऑफ मिलते हैं। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो मेरे 5 लेक्चर बाद वो खुल बोल देगा कि हाँ मिलते हैं, समझ गया, समझ में आया क्या? अभी तो आप फिक्स करके चलो मिलते हैं, उसके फायदे जितने बताओगा आप भी कन्विंस हो जाओगे कि हाँ ये जरूरी था। यस और नो? ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट वैट क्रेडिट। अभी हम जीएसटी में आना बाकी है। वैट कब आया? 2004 में, हम 2017 तक आने वाले हैं। यस और नो? चलिए, तो जीएसटी ऑल्सो वैल्यू एडेड टैक्स, एक वैट मैकेनिज्म देख लेते हैं। चलो यहां पे अभी जो हमने रेड कलर में लिखा उसको ही करते हैं फाइनल, और क्रेडिट पूरा पूरा लिखते हैं तो आपको थोड़ा और ग्रिप आएगी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? चलो आ जाओ। देखो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर, उसने भी कुछ खरीदा होगा तो उसको भी क्रेडिट मिलेंगे, पर अब कितना पीछे जाए ये समझ में आया क्या? इसलिए कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा अज्यूम करो कि उसके क्रेडिट नहीं है। आई होप आपको समझा क्या? हाँ चलो लिखो, प्राइस 1000, प्राइस 1000, उसके ऊपर वैट 10%, वैट अगर 10% तो कितना हुआ? 100। तो ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? टैक्स पेड 100, टैक्स पेड कितना? 100, इज इट क्लियर? अब डिस्ट्रीब्यूटर ने वैल्यू एडिशन कितना किया? 400, लिखो लिखो ग्रीप आएगी कॉन्सेप्ट पे, 400। तो मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूटर की सेल प्राइस कितनी होगी? ग्रीप आएगी, कितनी होगी सेल प्राइस? जर्नल एंट्री याद आ रही है? तो 1000, ये तो रिसीवेबल में चले जाएगा, 1000 प्लस 400, तो सेल प्राइस कितनी हुई?
1400 रुपये इसके ऊपर वैट लगेगा एट द रेट 10%, कितना 140 वैट लगेगा 140 चलो ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट निकल गया, इनपुट निकल गया, इसका नेट वैट लायबिलिटी निकाल लेते, नेट वैट लायबिलिटी कितना आएगा उसका लिखो, आउटपुट टैक्स 140। एक मिनट, आउटपुट वैल्यू मत लिखना, आउटपुट टैक्स, टैक्स कितना था 140 लेस आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना 100 कितना बचा नेट वैट पेबल 40 नेट वैट पेबल कितना आया 40 क्लियर डन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर का क्लियर हो गया सब कुछ। अब आगे होलसेलर की परचेस कितनी है 1400 रहेगी, वैट रिसीवेबल 140 रहेगा, ये सुनो उसका वैल्यू एडिशन कितना है 600 मतलब सेल प्राइस 2000 उसके ऊपर वैट एट द रेट क्या 10%। यस रिया, गवर्नमेंट पर ट्रांजेक्शन टैक्स कम कर रही है और ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ा रही है बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये कितना हुआ 200, ये आउटपुट टैक्स निकल गया, इसकी नेट वैट लायबिलिटी निकालते हैं, नेट वैट लायबिलिटी कितनी आएगी, आउटपुट टैक्स कितना हुआ 200 लेस आईटीसी उसका आईटीसी कितना है 140 उसका आईटीसी 140 तो कितना आया बेटा आपका 60 नेट वैट पेबल 60 वो गवर्नमेंट को 60 देगा, ठीक है। तो ये भी लिख लो, ये गवर्नमेंट को कितना देगा 40 टैक्स पेड और वो 40 ये गवर्नमेंट को कितना देगा टैक्स पेड 60 चलो। नेक्स्ट परचेस प्राइस 2000 वैल्यू एडिशन 1000 यानी इसकी सेल प्राइस 3000 उसके ऊपर वैट एट द रेट 10% कितना 300 तो कस्टमर को लास्ट प्राइस कितनी गई बेटा 3300 ठीक है। और इसका नेट वैट पेबल आउटपुट टैक्स 300 लेस क्या बेटा आईटीसी 200 यानी नेट कितना आया 100 तो ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा 100 ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा 100 ठीक है। फिर से एक बार कैलकुलेटर लो और इसका मैजिक देखो वैट का, ठीक है। पहले लेवल पे कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे हुआ 100 दूसरा 40 तीसरा 60 उसके बाद में क्या 100 मतलब कितना हुआ 3000
पूरे चेन में जितना टैक्स गवर्नमेंट लेगी वही लास्ट इनवॉइस का टैक्स होगा। एक बार फिर से, क्या पूरे चेन में जितना गवर्नमेंट टैक्स लेगी, कितना ले रही पूरे चेन में टैक्स 3,300, उतना ही लास्ट इनवॉइस का टैक्स रहेगा। यही तो मैजिक है, टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन होती। ये समझा नहीं समझा? क्योंकि सब ने अपने वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स दिया है, तो यहां तक जितनी वैल्यू एडिशन हुई उतना सबने मिला के टैक्स दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड, ये मैजिक है वैट का। ओके, हो सकता है किसी को पचाने में दिक्कत हो, पर पच जाएगा 3-4 लेक्चर के बाद, ठीक है। दूसरी बात सर, एक सवाल है, क्या अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने गवर्नमेंट को 100 रुपये दिए, तो इसने कस्टमर को, किसका कस्टमर कौन है, होलसेलर कस्टमर को 140 कैसे पास ऑन किए? नहीं समझा? इसने गवर्नमेंट को कितना दिया, इसने गवर्नमेंट को कितना दिया 100, और कस्टमर से बिल में कितने लिए 140, तो सर 140 कैसे पास ऑन किए जिस वक्त गवर्नमेंट ने, अब रुक जाओ, सॉरी, इसने गवर्नमेंट को 40 दिए, सॉरी मेरी गलती हो गई, इसने गवर्नमेंट को कितना दिया 40, और कस्टमर से कितना लिया 140, ऐसे कैसे सर बता दो, इसने जब परचेस किया था तो ये 100 रुपये का बर्डन इसको पास ऑन हुआ है, इसके जेब से गए, आया ना, तो ये 100 + 40 एंटायर बर्डन पास ऑन, ये समझे क्या, एंटायर बर्डन पास ऑन, 140 पास ऑन हुए। उसके बाद में इसने गवर्नमेंट को कितने दिए 60, और परचेसेस पे कितने दिए 160, कितने हुए 200, सॉरी हाँ सॉरी 140 + 60 कितने हुए 200 बर्डन। ये समझ में आया क्या? ओके, बर्डन पास ऑन, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो एंटायर बर्डन कस्टमर को पास ऑन हो जाता है। ये है इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन इज शिफ्टेबल फ्रॉम, शिफ्टेड कैन बी फ्रॉम 1% टू अनदर, एंड एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। आई होप यू अंडरस्टूड सर। अल्टीमेटली तो पूरा कंज्यूमर को ही जा रहा है। यस बेटा, अल्टीमेटली पूरा टैक्स किसको जा रहा है, कंज्यूमर। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। पूरे चेन में बर्डन शिफ्ट होगा और पूरा बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर, जैसे पूरे कोचिंग में आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो, समझ में आ रहा है, और पूरा बर्डन आपको, मतलब इन सिंपल वर्ड, वो इतनी जबरदस्त चेन है ना। ओके, फैकल्टी ने 20 मार्क को बिल दिया, 20 मार्क ने आपको बिल दिया, एंटायर बर्डन। फैकल्टी ने कोई सर्विस ली होगी उसका क्रेडिट, फिर ये एंटायर बर्डन पास ऑन। ओके, तो यहां पे ये पूरा बर्डन पास ऑन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखे रिगार्डिंग टू वैट, आई होप आपको समझा होगा। यस और नो? पूरा अच्छे से समझ में आया? क्रेडिट मैकेनिज्म, हाँ। इसमें अब मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, किसको डाउट, कोई क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन नहीं आ रहे तो दो चीजें, एक तो कुछ भी नहीं समझा, या एक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ओके, तो क्या ऑनलाइन स्टूडेंट अच्छे समझ में आ गया? चलो अच्छे समझ में आया तो सब लाइक करो, चलो फटाफट चलो फटाफट। ओके, यहां पे जो खाता है उसी को पे करना पड़ता है, बर्डन पास ऑन। यस बेटा, चलिए आगे बढ़ाओ, और मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
वो ले लेता हूँ और फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। आगे दो पेज आगे दिखेगा, ये ले लेता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी दो पेज आगे है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, चलो पहला लिखो। हमारा जो जीएसटी आने वाला है, ये भी बेटा क्रेडिट देगा और ये भी वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम के ही बेस पर है। यानी मतलब जीएसटी भी जो टैक्स लगेगा वो टोटल सेल प्राइस पे नहीं, वैल्यू एडेड टैक्स के बेस पर ही लगेगा। लिखो पहला, जीएसटी इज, पहला पॉइंट लिखो। वहां स्पेस दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी में ब्लैंक स्पेस दिया है आपको, वहां पहला पॉइंट लिखो। जीएसटी इज अ ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी इज ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स सेकंड लिखो, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सर ये क्या होता है? मतलब जो डेस्टिनेशन पे सेल होगी वहां का जीएसटी लगेगा। बताओ, महाराष्ट्र में सेल होगी तो गुजरात का जीएसटी लगेगा या महाराष्ट्र का है जीएसटी? महाराष्ट्र का है, इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। थर्ड, जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय सप्लायर, थर्ड जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय सप्लायर टेक्निकली पेड बाय सप्लायर बट इट इज एक्चुअली बोर्न बाय कंज्यूमर बट इट इज एक्चुअली बोर्न बाय कंज्यूमर। ये पॉइंट समझा आपको? सप्लायर्स टैक्स देते हैं लेकिन एंटायर बर्डन कंज्यूमर पे जाता है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट। अच्छा, जीएसटी ये बताओ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे कलेक्ट होता है या मल्टीपल स्टेज पे? मल्टीपल स्टेज पे होता है और क्रेडिट मिलते जाते हैं। यस और नो? तो लिखो नेक्स्ट, जीएसटी इज कलेक्टेड एट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जीएसटी इज कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेजेस, जीएसटी इज कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस goods and services in which taxes paid on inputs are allowed as a set of against taxes payable on output ये समझा? जीएसटी में भी आउटपुट टैक्स के में इनपुट टैक्स का क्या मिल जाता है? क्रेडिट। नेक्स्ट,
जीएसटी इज अ टैक्स टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस सोर्सेस. कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस सोर्सेस एंड नॉट ऑन पर्सनल एक्टिविटीज एंड नॉट ऑन पर्सनल एक्टिविटीज. सिंपल वर्ड में कहो तो जीएसटी बिजनेस टैक्स है, पर्सनल टैक्स नहीं है. अगर आप बिजनेस करोगे तो ही जीएसटी लगेगा. ठीक है. लास्ट अंडर जीएसटी, लास्ट अंडर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज प्रोवाइडेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज प्रोवाइडेड थ्रू आउट द वैल्यू चेन, थ्रू आउट द वैल्यू चेन. मतलब ये बताओ मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक की चेन थी, क्या पूरे चेन में सबको क्रेडिट मिला? यस और नो? तो थ्रू आउट द वैल्यू चेन मतलब जब तक वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं जाता है तब तक सारे बंदे को क्या मिलेंगे? क्रेडिट्स. इज इट क्लियर? सो दोस्तों चलिए, आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. पर मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, कल का सेशन ओके इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर कल नहीं आए तो आगे आना भी मत. मतलब कल मतलब नेक्स्ट सेशन. कल संडे को छुट्टी रहेगी, कल संडे को छुट्टी रहेगी. डन. नेक्स्ट सेशन यानी मंडे का सेशन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बंधनों को तोड़ के आना है. कोई भी आपका क्लोज फ्रेंड आपको कितना भी रोकने की कोशिश करे तभी आपको रुकना नहीं है. सो दोस्तों यहाँ पे चेक योर बिलोंगिंग्स एंड बाय. बोलो बच्चों, चल मिलते हैं. तो मिलते हैं मंडे को. और जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है, अगर वैट में किसी को कोई दिक्कत है तो डोंट वरी, नेक्स्ट सेशन में आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. नेक्स्ट अगर आपको कुछ दिक्कत जाती, कोई भी टेक्निकल इश्यू वगैरह होगा तो जस्ट आपका ऑर्डर आईडी और आपका पासवर्ड सॉरी आपका ऑर्डर आईडी और आपका प्रिफरेबल टाइम आप लिख दीजिएगा, मेरी टीम कनेक्टेड है, आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी. ओके सो बाय बाय. बेटा बुक तो सारी डिस्पैच हो चुकी है, आपके एरिया वाइज आने वाले 5 से 6 दिन में आपको बुक्स मिल जाएगी. तब तक प्लीज आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा आपके वी स्मार्ट एकेडमी के लॉगिन में. पहले 7 सेशन यूट्यूब पे भी रहेंगे और हमारे ऐप में भी रहेगा. 7 सेशंस डेमो सेशंस है जो यूट्यूब पे और हमारे ऐप पे भी रहेगा. सर वैट एग्जिस्ट करता है आज भी, वैट एक सिस्टम है बेटा, वैल्यू एडेड टैक्स. ये सिस्टम हम कोई भी टैक्स में यूज कर सकते हैं, आगे के सेशन में बताऊंगा. बेटा लाइव ऐप नहीं चल रहा है तो आपका ऑर्डर आईडी और आपका प्रेफरेबल टाइम डाल दो. यस बेटा ये सीएमए के लिए सेम बैच है, इंटर सीए सीएमए के लिए सेम बैच है. ठीक है बेटा मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा.
सर बहुत मजा आया आज, थैंक यू बेटा। मैन्युफैक्चरर को भी मिलेगा बेटा, पर मैंने कहा कि हम पीछे कितना चेन ले, मैन्युफैक्चरर के इनपुट हो गए तो उसको भी क्रेडिट मिलेगा। डेस्कटॉप पे क्लास नहीं चलती है, क्लास लैपटॉप या मोबाइल में ही चलती है। हाँ बेटा, ऐप पे भी डाउट लिया जाएगा जब भी चालू होगा। यस यस, आई विल शेयर द पीडीएफ इन टेलीग्राम ग्रुप। प्रतीक, डेस्कटॉप पे नहीं चलता है, लैपटॉप या मोबाइल, वो भी एंड्रॉइड। तो फिर आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा या मोबाइल में? देखो बेटा, यस, सीएमए ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस दोनों के लिए सेम जीएसटी है। नहीं, एक ही ग्रुप है बेटा सबके लिए, जीडीपीडी वालों के लिए। आपके लॉगिन में जाओ, आपको ग्रुप लिंक मिल जाएगी। आपके लॉगिन में आपको स्टडी ग्रुप लिंक मिल जाएगी, वो ज्वाइन करना है आपको। थैंक यू सो मच। कल ही तो बताया दोनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग है, कल सेशन किया क्या तूने? तो दोनों के ऑब्जेक्ट अलग है बेटा, इनकम टैक्स तिजोरी टैक्स और ये बिजनेस टैक्स। थैंक यू बेटा, थैंक यू। प्लीज़ आपकी रिसिप्ट लेके आप सभी स्टूडेंट अभी 5 मिनट के लिए बाहर जाएंगे और अपनी रिसिप्ट बता गएंगे। प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है।